हेलो एवरीवन, आप आईएएस के चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। फ्रेंड, आज हम आप लोगों के सामने ये करंट अफेयर्स का पार्ट टू सीरीज लेकर के आए हैं। पार्ट वन सीरीज हमने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दी है अपने चैनल में, तो आप लोग उसको यदि ना देखा होगा तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देखें पार्ट वन को। उसके बाद ये पार्ट टू की सीरीज़ जो है तो हम यहाँ पास अपनी लाने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पास इन चंद पंक्तियों से अपनी जो करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू करना चाहते हैं, जो कि आपकी यूपीएससी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सटीक बैठती है, कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे ना देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे ना देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे ना देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे ना देख। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। यानी यहाँ पास राइटर ने बताया था कि काफ़ी खाली प्लाव की ज़रूरत नहीं, हमें हमें कोरी कल्पनाओं पे हाइपोथेसिस पे जीने की ज़रूरत नहीं, हमें रियलिटी पे जीने की ज़रूरत है। और आप यूपीएससी भी आपसे इसी तरह की भी रिक्वायरमेंट डिमांड भी करता है ना। दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना ना उड़, रोज़ सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। ये धुंधलका है नज़र का तू महज मायूस है, रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख अंगारे न देख। यानी कि आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम को देने के लिए जो डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, उसमें आपको कहां पास डाइवर्ट नहीं होने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे यहां पास कितनी गजब की पंक्तियां यहां पास राइटर ने लिखी थी। तो हम लोग चलते अपने करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहां पास पहला टॉपिक है पंच। यहाँ पास मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा फ्रेंड, कि मैंने यहाँ पास थोड़ा सा इस करंट अफेयर्स की सीरीज में कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ें जैसे कि सुनी हुई चीज़ें उनकी अपेक्षा जो देखी हुई चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइंड पे लंबे समय तक के लिए वो बैठ जाती हैं, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पास थोड़ा आपको विजुलाइजेशन के जरिए भी यहाँ पास इसीलिए मैंने इमेज डालने का प्रयास किया है, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से विजुलाइज कर सको, तो वो आपको काफ़ी मतलब कि लॉन्ग टाइम तक आप उसको कैरी कर पाओगे, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पास, और दूसरी बात यहाँ पास एक और हमने नई चीज़ किया कि हमने यहाँ पास सब्जेक्ट वाइज आपको नहीं करने जा रहे हैं, है ना। मैं चाहता तो यहाँ पास सब्जेक्ट वाइज भी आपको कर लेता, तो उसमें भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि यूपीएससी की जो क्वेश्चन पेपर जीएस को होता है वो तो रैंडमली ही क्वेश्चन डालता है, है ना। तो उसमें तो आपको ऐसा नहीं कोई क्राइटेरिया फिक्स कि आप उसको इन्वायरमेंट वो देगा अलग से, ये देगा वो तो रैंडमली डाल देगा, कहीं इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मिल जाए, कहीं आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह के सीक्वेंस मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पास प्रयास किया है। दूसरी बात कि इससे एक चीज़ और होती है कि आप एक ही सब्जेक्ट की बजाय थोड़ा सा डाइवर्सिटी होगी, तो आपको भी थोड़ा सा पढ़ने में मतलब कि उन चीज़ों को समझने में काफ़ी अच्छा, कई चीज़ों से आप इंटरलिंक भी कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो कई सब्जेक्ट का थोड़ा सा रेंडमली चीज़ें होंगी तो और बेहतर तरीके से शायद है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें गहरी तरह से हो सकती हैं, है ना। तो हम चलते अपने करंट की तरफ। तो ये पहला है पंच मिशन क्या है, पंच मिशन के बारे में आप लोग के बारे में यहाँ पर बता दूँ कि जो पंच है तो उसका पहले तो फुल फॉर्म आप लोग जाने कि ये जो पंच होता है पेलरोमीटर को टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, यानी कि पॉलीमीटर को कोरोना और हेलियोस्फीयर से ये एकजुट करता है, ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पास इसका क्या उद्देश्य हो है पंच मिशन का, तो पंच मिशन का जो उद्देश्य है तो ये है, जो ये आप लोग यहाँ पास इमेज देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पास ये सन की इमेज है, ठीक है, सन की इमेज है। तो इसी में से सन के जो बाहरी आउटर स्फीयर का जो कोरोना परत है ना, तो उसके क्षेत्र के प्रकाश से एक छवि बनाने के लिए ये उनको मतलब कि प्रतिबिंबित करेगा, उनको दिखाएगा उसकी छवि देखने के लिए कोरोना स्पेशल, मतलब कि आप लोग सीधा इतना जाने कि कोरोना का जो बाहरी परत है उसके अध्ययन के लिए पंच मिशन जो है तो लॉन्च होगा, ठीक है। और ये जो है तो ये सौर हवा और कोरोनल मास इंजेक्शन की छवि लेगा और इन्हें ट्रैक करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके कोरोना, ये कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोना वायरस नहीं, कोरोनल मास इंजेक्शन, यानी कि जो कोरोना परत है उसकी बात की जा रही है। तो इसमें जो प्लाज्मा है ना, यहाँ पास ज़्यादातर प्लाज्मा ही तो होता है, तो ये जो प्लाज्मा है तो उसके विशाल जो द्रव्यमान हैं जो सूर्य के वायुमंडल से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी ये अध्ययन करेगा। साथ ही साथ जो कोरोनल मास इंजेक्शन है वो पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं को प्रभावित करने और संचालित ये कर सकता है, इसीलिए जो तो यानी क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में ये अध्ययन करेगा, किस प्रकार से ये जो कोरोनल इंजेक्शन, ये जो प्लाज्मा है सूर्य की जो यहां से ये पृथ्वी को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में ये मतलब बताता है। और इसके बारे में कुछ हम विशेष चीज़ें देखते हैं, तो जो इसमें जो है तो पंच सूटकेस के आकार के चार सैटेलाइट, छोटी सैटेलाइट होंगी इसमें, ठीक है, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और
ये भी देखेंगे कोरोना जो कि सूर्य के वातावरण है तो उसमें किस प्रकार से अंतर्ग्रही माध्यम से जुड़ा हुआ है ना, कोरोनल इफेक्ट का भी वहाँ पास अच्छे तरीके से कि सूर्य के वातावरण में क्या उसका प्रभाव है कहाँ पास है ना, उसके बारे में पूरा ये पंच मिशन आपका ये अध्ययन करेगा। यदि हम बात करें कि कब लॉन्च होगा तो ये मिशन जो है तो 2022 में स्टार्ट होगा है ना, शुरू होगा। साथ ही साथ इसमें यदि बात की कि कौन कौन सी एजेंसियाँ इसको मतलब इस मिशन में जुटी हुई हैं तो आपको पता ही होगा कि नासा मतलब कि अमेरिकन स्पेस स्टेशन नासा है, तो ये नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा है ना। और साथ ही साथ जो टेक्सास स्थित जो दक्षिण पश्चिम अनुसंधान संस्थान है यहाँ पास वहाँ से जो है तो इसका अध्ययन मतलब कि इसका मतलब कि प्रोसेस ये मिशन होगा उसकी यहाँ से मतलब कि मॉनिटरिंग होगी ठीक है। तो यहीं पास से सूर्य की छवि एक प्रकार से बनाई जाएगी ठीक है। अब इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट यदि इन्फॉर्मेशन के बारे में जाने तो टीम पंच है उसमें जो भारत की भी कुछ यहाँ पास भूमिका देखने को मिलेगी कि जो भारतीय मिशन आदित्य है ठीक है, भारत भी अपना जो इसरो है तो वो भी आदित्य मिशन जो सूर्य के इसी अध्ययन के लिए आदित्य मिशन लॉन्च करने वाला है, अभी हालांकि किया नहीं है लेकिन करने वाला है, तो उसी का जो संयुक्त तो जो अवलोकन होगा उसके बारे में ही है ना, तो इन दोनों के कर सकते हैं कि इसके लिए भी काफ़ी ये हेल्प करेगा ठीक है, ये दोनों इंटरलिंक हो जाएंगे। तो साथ ही साथ भारत भी जो अपने जो स्वयं का उपग्रह आदित्य L1 इसके बारे में हमने बात की कि जो भारत का आदित्य L1 है जो कि सूर्य के कोरोना का ही वो भी अध्ययन करेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक प्रकार से भारत को भी हेल्प मिल सकती है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो प्रोफेसर बनर्जी हैं तो ये जो है तो इसमें सह अध्यक्ष के रूप में हैं, यानी कि इसमें भारत की भूमिका मतलब कि देखी जा सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन फ्लाई मिशन, ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में जानते हैं हम लोग क्या है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी UPSC कुछ डायरेक्ट कीवर्ड ही कभी कभी उठा के पूछ देती है कि हाल ही में चर्चित रहे निम्न शब्द का किससे संबंध है ना, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो नई टर्मिनोलॉजी होती है जो नए मिशंस होते हैं जो कि बहुत ही कम न्यूज़पेपर में या इधर उधर आपको सुनने को मिलेंगे, तो इसलिए इन चीज़ों से आप लोग वाकिफ रहें ना, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका एकदम डीप आप अध्ययन करें ना उसके एक एक की क्या सैटेलाइट इसमें क्या पार्टी, ये जरूरत ज़्यादा नहीं है। आप लोग उस टर्मिनोलॉजी को समझिए आखिर है क्या ये, बस इतना सफिशियंट होगा ना। ऐसे रहते यदि आप हर चीज़ों का PhD करने लगेंगे तब तो फिर सिलेबस UPSC का था है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, तब फिर वो आपकी भी क्षमताओं से बहुत ज़्यादा निकल जाएगा आगे ना। चलते हैं तो ये जो ड्रैगन फ्लाई मिशन की बात करते हैं, तो जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है तो ये भी नासा की द्वारा घोषणा की गई एक मिशन है ना। तो इसमें क्या है कि एक मल्टी रोलर वाहन को ये जो है तो ये शनि के उपग्रह जो टाइटन है ना उसमें इसको भेजने की योजना नासा बना रहा है। किसमें? टाइटन में, शनि में नहीं, शनि का जो उपग्रह टाइटन है उस पे। और टाइटन की बात की टाइटन जो था सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात मुझे बताइए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है ठीक है, यानी कि किस कौन से ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह सोलर सिस्टम में है अभी तक का ठीक है, आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो इसमें और थोड़ा सा हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में, तो इसका जो टारगेट है तो टाइटन और पृथ्वी दोनों पर जो सिमिलरिटीज़ हैं है ना उसके प्रीबायोटिक जो रासायनिक प्रक्रिया हैं उनकी तलाश में जो ड्रैगन फ्लाई मिशन ये जो है तो इन पर यानी कि अध्ययन करेगा ठीक है। इसकी और विशेषताओं के बारे में देखें तो जो ड्रैगन फ्लाई है इसमें 8 रोटर हैं और ये एक बड़े ड्रोन की तरह देखा जाता है, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि इस टाइप से होगा कुछ उसका शेप ड्रैगन फ्लाई का ठीक है। ड्रैगन फ्लाई मिशन आप ड्रैगन फ्लाई को भी समझ सकते हैं कि यहाँ पास जिस प्रकार से उसी तरह से कोरिलेशन यहाँ पास ड्रैगन फ्लाई का नाम ही रखा गया है ना। तो अब यदि इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जाने हम तो पहली बार नासा किसी अन्य ग्रह पर विज्ञान के लिए एक बहुरोटर यानी मल्टी रोटर इस प्रकार का जो है तो मिशन भेजेगा ठीक है। इसके यदि हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो जो इसकी ड्यूरेशन है ये 2026 में लॉन्च होने वाला है ठीक है, 2026 में ठीक है। जहाँ पंच मिशन 2020 में नासा लॉन्च करेगा वहीं ये ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है 2026 में ठीक है लॉन्च होने वाला है, और इसके पहुंचने के आसार 2034 पे है यानी कि 2034 तक ही पहुंच जाएगा जब लॉन्च होगा 2026 में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके और बैकग्राउंड में ये जानने का प्रयास करें जो ड्रैगन फ्लाई हुए उसको कैसिनी यानी कि इसके पहले जो है तो नासा ने नासा ESA और इटली इनके बीच एक संयुक्त मिशन भेजा गया था कैसिनी, आप लोगों ने सुना भी होगा, तो कैसिनी भी जो है तो वो शनि का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी नाम लोग आप लोग याद रखिए कैसिनी मिशन किस लिए भेजा गया था, ये शनि के अध्ययन के लिए भेजा गया था शनि ग्रह के लिए ठीक है। तो उसके बाद इस जो है तो उसके डाटा का भी काफ़ी इसमें एडवांटेज मिल सकता है, तो इस डेटा से इसे एक प्रकार से जैसे कि काफ़ी शांत मौसम की ड्यूरेशन है और उसमें किस प्रकार से लैंडिंग वगैरह और भी जो इसके वो चीज़ें हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसको हेल्प मिल सकती है कैसिनी की जो अध्ययन है उससे ठीक है। अब टाइटन के बारे में थोड़ा सा हम जानें तो टाइटन आखिर
इस पे भी थोड़ा देखें तो जैसे कि टाइटन जो है तो वो शनि ग्रह की परिक्रमा करता है, ये तो पता ही होगा, नॉर्मल से कॉमन सी बात है। शनि ग्रह की बात की जाए तो 886 मिलियन मील की दूरी पे है, ये कोई आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है इस डाटा की, है ना। और ये बात करते हैं कि पृथ्वी यह जो है तो पृथ्वी के ग्रहपथ की तुलना में सूर्य से लगभग 10 गुना दूर है ना, डिस्टेंस की बात की जा रही है। और यदि बात करते हैं हम इसके साइज़ की बात करें तो जो टाइटन का जो व्यास है लगभग लगभग 5150 किलोमीटर का है, ये कि यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो है ही, और साथ ही साथ जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, याद रखिएगा कि पहला नहीं है। अब यहाँ पास जो है तो नेक्स्ट आपका आंसर भी मिल गया जो मैंने पूछा था कि आपको मैंने आंसर बताने के लिए बोला था, तो आप यहाँ पास मतलब कि तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ना, तो देख ही लें फिर कि जो सबसे जो बड़ा उपग्रह है तो वो बृहस्पति का है, जिसे गैनीमेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो पहला तो गैनीमेड हो गया, और दूसरा जो है तो टाइटन है सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक। तो यदि बात करते हैं कि इसकी यदि इसके साइज़ के बारे में बात करें कि जो टाइटन है तो ये तो बुध ग्रह से भी बड़ा है, आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी साइज़ है ना बुध ग्रह से भी, जबकि बुध ग्रह है जबकि ये एक उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं किसकी हम और भी कुछ तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करें, तो जो टाइटन है तो एक बर्फीले उपग्रह की तरह है ना, जिसमें से पत्थर के जैसे काफ़ी मतलब कि बर्फ़ के टुकड़े देखे जा सकते हैं, है ना। पानी की एक बर्फ़ की सतह भी है, साथ ही साथ जो इसकी सतह है उसके नीचे तरल जल महासागर होने की ऐसी संभावना भी पाई जाती है ना, जिस प्रकार से पृथ्वी में देखी जाती है। साथ ही साथ यदि वायुमंडल के बारे में देखें तो सौरमंडल में जो टाइटन है वो ही ऐसा उपग्रह, एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पर्याप्त वायुमंडल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पास हो जाता है कि यहाँ पास टाइटन में ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहाँ पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल पाया जाता है, पृथ्वी की तरह यहाँ भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पास नाइट्रोजन जिस प्रकार से यहाँ पास पृथ्वी वायुमंडल में नाइट्रोजन आप लोगों को पता ही होगा 78% है ना, तो उसी प्रकार से वहाँ भी नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में है और वहाँ पास वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल यदि पाया जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पास मौसमी घटनाएं भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल सकती हैं, और इसी प्रकार से वहाँ पास जीवन की संभावनाएँ भी देखी जा सकती हैं। इसीलिए ये मिशन भी शायद तक भेजा जा रहा है, और भी कई तथ्य निकल करके अध्ययन के बाद सामने आएंगे, ठीक है। और जो टाइटन है उसके पास कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि टाइटन का अपना कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। लेकिन उपग्रह के लिए उपग्रह का होना तो संभव मतलब कि ये तो निश्चित तौर पर एक प्रकार से संभावनाएं होती हैं कि उपग्रह जो है तो उसके लिए तो उपग्रह हो, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज पाई जाती हैं, है ना। चलते हैं अपने थोड़ा सा, आप लोग अब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, तो अब आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने जैसे पढ़ लिया ठीक है, अब आप इसके आंसर दीजिए कि हाल ही में समाचारों में देखा गया जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है, ठीक है, इसके संबंध में निम्न कथनों में से विचार करें। यूपीएससी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आप लोग इसका आंसर दें। पहला, टाइटन और पृथ्वी दोनों पर समान प्रीबायोटिक रासायनिक प्रक्रियाओं की तलाश में ड्रैगन फ्लाई टाइटन पर दर्जनों जगह पर जाएगी। दूसरा, यह पहली बार होगा जब नासा किसी दूसरे ग्रह पर विज्ञान के लिए मल्टी रोटर वाहन उड़ाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसमें बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, पहला केवल एक या ओनली टू, या एक या दो, या दो कोई इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख करके बताएं। आप लोगों को हम 5 सेकंड देते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि इसका जो आंसर था सी, इट मीन्स आपके दोनों ही सही थे, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि आप लोग के दोनों ही सही थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो करंट वो है टॉपिक, तो उस पर चलते हैं। तो ये टाइप टॉपिक है गो ट्राइबल कैंपेन, गो ट्राइबल कैंपेन, इसके बारे में देखते हैं कि ये जो आखिर क्या है गो ट्राइबल कैंपेन। आप लोग देखें यदि तो जो जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जो है तो नई दिल्ली में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था, है ना। तो इस पे देखें क्या कौन कौन इसमें इंक्लूड है, मतलब कि कौन कौन शामिल है। तो इसमें देखें तो कैंपेन को अमेजन ग्लोबल के सहयोग से, यानी किसके सहयोग से, अमेजन ग्लोबल के सहयोग से केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड इनके द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखें कि इनमें से कौन कौन मतलब कि पार्टनर हैं, तो अमेजन ग्लोबल है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय है ना, ट्राइबल मिनिस्ट्री अपनी है, और ट्राइफेड, ठीक है, ये तीन इसमें मिलकर के इनका सहयोग से कॉपरेशन इनके ये लॉन्च किया गया है गो ट्राइबल कैंपेन। इसका उद्देश्य क्या है ये भी जाने, कि जो जनजाति आर्ट एंड जो कल्चर ये उनका जो शिल्प है ना, तो उनमें जागरूकता पैदा करने के साथ साथ 700 से अधिक जो भारतीय जनजाति हैं उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है ना। और इसमें से और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो समारोह है तो इसमें अमेजन ग्लोबल जो है तो वो सेलिंग के माध्यम से ट्राइब्स इंडिया का एक प्रकार से ग्लोबल लॉन्च भी इसमें देखा गया है, ठीक है, जिसके तहत जो ट्राइब्स इंडिया और अमेजन ग्लोबल मार्केटिंग है
ये ट्राइब्स इंडिया के उत्पाद जो हैं उनको अमेजन के इसके जरिए विश्व स्तर पर लॉन्च करेगा, यानी कि जो ट्राइबल्स के जो भी प्रोडक्ट वो होते हैं है ना, तो उनको जो है तो अमेजन अपना एक प्लेटफॉर्म देगा, उसके जरिए ये जो छोटे छोटे मतलब के ट्राइबल्स के ये जो प्रोडक्ट होते हैं तो इनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे भी इनकी रिकॉग्निशन होगी है ना, विश्व स्तर पे इनको जाना जाएगा और इसकी इनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इससे ट्राइबल्स को भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इसको माना जा सकता है ना, ग्लोबलाइजेशन की जगह पे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो ट्राइबल्स के गुड्स वगैरह हैं तो उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी है ना। और इसमें देखा जाए थोड़ा हम ट्राइफेड के बारे में जानते हैं कि जो ट्राइफेड है ठीक है, तो ट्राइफेड जो है तो जनजाति मामलों के जो मंत्रालय है उसके तहत एक संगठन आता है, इसके तहत ये ट्राइबल सब मिनिस्ट्री अपनी है उसके अंतर्गत ये संगठन है ना ट्राइफेड। और ये जो है तो ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के तहत जनजाति कला और हस्तशिल्प समेत जनजाति उत्पादों के विक्रय और विकास का कार्य करती है, यानी ये ट्राइब्स का ट्राइफेड का काम है कि जो ट्राइबल्स वगैरह हैं उनकी जो आर्ट्स हथकरघा हस्तशिल्प उससे संबंधित जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं जनजाति उनकी जनजातियों के तो उनकी मतलब कि विक्रय के लिए सेलिंग के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है ट्राइफेड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम NCVET। ठीक है, तो इस पर हम देखते हैं NCVET ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जो NCVET है ये गैर वैधानिक नियामक निकाय है। ठीक है, गैर वैधानिक नियामक निकाय है और इस पे देखें तो इसका जो नेतृत्व करेगा वो एक अध्यक्ष करेगा और इसमें कार्यकारी और गैर कार्यकारी सदस्य होंगे। याद रखिएगा कि इसमें दोनों प्रकार के सदस्य होंगे, गैर कार्यकारी और कार्यकारी दोनों सदस्य होंगे। ठीक है, और ये गैर वैधानिक निकाय है, नियामक निकाय है, ये भी याद रखिएगा। इस पे सीधे देखें तो जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अपना है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री अपनी है MSDE, उसने जो है तो सरकारी सूचना में लगभग इसे जो है तो दिसंबर 18 के उसमें जो है तो इसकी स्थापना को किया था, नोटिफाई किया था। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ इसकी मिनिस्ट्री के बारे में याद रखिएगा, बाकी डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखें तो आखिर इसका पर्पज़ क्या हो सकता है इसमें, यानी मतलब कैसे बना है ये दो, उसको मतलब कि विलय कर दिया गया है ना, मर्ज करने के बाद बना है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCVET प्लस नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों को मिला करके इसका बनाया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखें कि दोनों एजेंसियों को मिला करके इसको बनाया गया है NCVET को। ठीक है, अब यदि बात करते हैं कि NCVET जो है तो उसके प्राथमिक कार्य में क्या है, तो ये क्या करेगा NCVET, तो NCVET जो है तो निर्णायक निकाय, मूल्यांकन निकाय और कौशल संबंधी जो सूचना प्रदाता हूँ उनकी मान्यता तथा उनका रेगुलेशन करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग की जो बॉडी और हैं और साथ ही साथ उनके जो स्किल रिलेटेड जो काउंसिल्स हैं SSC, इनके द्वारा विकसित पात्रताओं को भी ये सर्टिफाई करेगी। साथ ही साथ जो डिसीजन संबंधित जो और भी मूल्यांकन एजेंसीज हैं उनके जरिए जो व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं उनको भी इनडायरेक्ट तौर पर इनका भी रेगुलेशन करेगी। ठीक है, साथ ही साथ रिसर्च और जो सूचना वगैरह है उनका प्रसार करना और शिकायतों का निवारण करना इससे संबंधित भी ये काम करेगी NCVET। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, NCVET से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम NCVET के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या एक वैधानिक नियामक संस्था है जिसकी अध्यक्षता या अध्यक्ष करते हैं और इसमें कार्यकारी और गैर कार्यकारी सदस्य होते हैं। सेकंड, इसे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVET और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी NSDE के कार्यों को मर्ज करके स्थापित किया गया था। आप लोग इसका आंसर बताइए कौन सा सही इसमें से है, A, B, C या D, इनमें से कौन सा सही है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर पर देखते हैं कि यहाँ पास बोला गया है कि यह एक वैधानिक नियामक संस्था है, ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हमने बताया है कि ये एक गैर वैधानिक नियामक संस्था है। इट मीन्स आपका ये नंबर फर्स्ट नंबर एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर एलिमिनेट हुआ इट मीन्स दिस एंड दिस इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, तो आपका इसमें बी नंबर सही होगा। ठीक, हम चलते हैं, आप लोग आंसर भी देख सकते हैं इसका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उन्नयन और समावेशी कार्यक्रम EQUIP। ठीक है, क्या है भाई EQUIP? तो यदि EQUIP के बारे में जाने तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD के उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा गुणवत्ता यानी कि अपनी जो एजुकेशनल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो समावेश ये जो कार्यक्रम जो है तो लॉन्च किया गया है। और ये यदि बात करें तो ये जो
इक्यू जो आईपी है ये एक प्रकार से पंचवर्षीय दृष्टिकोण से इसको वो किया गया है। ठीक है, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करें तो ये जो है तो हर मंत्रालय, कोई एक ही मंत्रालय नहीं बल्कि हर मंत्रालय के लिए एक प्रकार से पंचवर्षीय दृष्टि से योजना को ये अंतिम रूप से देने के लिए जो एक प्रकार से जो है तो पीएम के निर्णय के अनुसार इसको किया गया था इसका वो जो बनाया गया था इसको। तो इसके यदि हम लक्ष्यों के बारे में देखें, इसका क्या टारगेट है, तो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दोगुना करना, याद रखिएगा कि हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट वगैरह जो रजिस्ट्रेशन मतलब कि नामांकन होता है तो उसका जो रेशियो है उसको दोगुना करना, ये इसका लक्ष्य है। और अन्य लक्ष्यों पे देखें तो नेक्स्ट इसका टारगेट है कि 1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों के बीच कम से कम भारत के 50 ऐसे संस्थान साथ इसमें शामिल हों। ठीक है, आप लोग अभी देख ही सकते हैं कि जैसे रैंकिंग आती रहती है वर्ल्ड लेवल पे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी तो अंडर 100 में भी नहीं दिखती हैं कहीं, है ना। तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट इतना ज़्यादा मतलब खर्च कर रही है तो उसमें कुछ तो उसमें क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ये भी इसका टारगेट है कि कम से कम 50 भारतीय संस्थान उसमें 1000 अंडर 1000 में शामिल हों। नेक्स्ट की बात की जाए तो गुणवत्ता के आश्वासन के लिए भी सभी संस्थानों का जो है तो एपका से मान्यता देना है, और ज्ञान संबंधित जो मामले हैं उसमें भी दुनिया के शीर्ष टॉप 6 देशों में भारत का स्थान बनाने के लिए अनुसंधान और इनोवेशन संबंधित उस सिचुएशंस को और भी क्रिएट करने की बात, मतलब उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, और वहीं और इसके लक्ष्यों की बात की जाए तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनकी रोजगार की जो क्षमता यानी एम्प्लॉयमेंट की जो कैपेसिटी है उसको भी 2 times बढ़ाना है, दोगुना उसको भी करना है ना। तो साथ ही साथ जो है तो भारत के प्रकार से वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बनाने की बात की जा रही है, और जो उच्च हायर एजुकेशन है उसमें भी इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए जाने की बात की जा रही है यहाँ पास है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र यानी कि NIMZ। क्या है NIMZ? तो बात करते हैं कि NIMZ ये जो है तो 3 NIMZ को यहाँ पर सरकार ने जो तो मंजूरी दी है। ठीक है, तो NIMZ की बात करें राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र तो ये कौन कौन से 3 ये NIMZ हैं, तो पहला कहाँ है, उड़ीसा के कलिंगनगर में है, सेकंड जाजपुर जिला में है। ठीक है, यानी कि कलिंगनगर के जाजपुर जिला है। ठीक है, सेकंड की बात की जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ये स्थित है सेकंड नंबर का। ठीक है, और थर्ड की बात की जाए तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में, इसको नाम इसका अभी बदल करके मेडक जिला कर दिया गया है। तो यहाँ पास जो है तो 3 मतलब कि गवर्नमेंट ने 3 जो NIMZ क्षेत्रों को मंजूरी दी है। आप लोग यहाँ पास ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी दे सकता है मैचिंग मिलाने में भी या कि तीनों को ऑप्शन में रख सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं क्या है NIMZ। तो जो राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र है, ठीक है, तो यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, तो ये जो है तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक है। इसमें देखें इसका जो टारगेट है तो ग्लोबल लेवल की एक प्रकार से जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, है ना, उनको इन्हेंस करने के लिए जो है तो ये ऐसा इकोसिस्टम मतलब कि बनाने की बात की जा रही है ताकि इस चीज़ पे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, है ना। इस प्रकार की मतलब कि गवर्नमेंट की मतलब सरकार की परिकल्पना की गई है। ठीक है, और इस पर देखते हैं कि एक बात और है यहाँ पास कि जो NIMZ है, है ना, NIMZ और SISEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, यदि इस पे थोड़ा सा डिफरेंट की बात की जाती है तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो विशेष आर्थिक जो क्षेत्र होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, वो निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि ये एक्सपोर्ट को इन्हेंस करने की बात करता है, एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। जबकि NIMZ की बात की जाती है तो ये जो है NIMZ ये राज्यों के साथ साझेदारी में औद्योगिक विकास के सिद्धांत पर एवं विनिर्माण विकास और रोजगार सृजन पर फोकस है। ठीक है, दोनों के टारगेट बिल्कुल भी अलग देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इंटरलिंक की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक कैसे हो जाएंगी, यदि यानी कि NIMZ को मतलब कि इम्प्रूव किया जाएगा तो ऑलरेडी SEZ इम्प्रूव हो जाएगा, यानी हमारे एक्सपोर्ट जो है तो ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में आप लोग स्पष्ट तौर पर याद रखें कि इनमें फ़र्क है कि ये जो है जहाँ पास SEZ हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा फोकस करता है, जबकि NIMZ होता है वो राज्यों के साथ आपस में साझेदारी यानी उनके कॉपरेशन के लिए, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट के लिए और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मेन स्पेशली ये फोकस्ड है। और NIMZ की बात करें तो ये आकार के संदर्भ में देखें तो ये बुनियादी ढांचे की योजना के स्तर पे रेगुलेटरी और
प्रक्रिया संबंधित शासन संरचना और विकास नीतियों के मामले में SEZ से डिफरेंट देखा, मतलब कि इसमें भी काफ़ी मतलब फ़र्क है, ठीक है। तो इसमें ये मेन अंतर था, आप लोग ये याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि L9859B, ये क्या है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कीवर्ड के तौर पर UPSC डायरेक्ट पूछ लेता है कि हाल ही में चर्चा रहा 9859B क्या है, है ना। पूछ लेगा, ऑप्शन में रख देगा कि ये एक फाइटर प्लेन है ना, ये इलेक्ट्रिक प्लेन है, ये पनडुब्बी है ना, ये क्या है, ग्रह है, उपग्रह है ना, या कि मेस्ट्रोड है, क्या है ये। तो इसीलिए मतलब कि ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पास एक L9859B ये क्या है। तो इस पर देखें तो आप लोग यहाँ पास यदि इन इमेज पे देखें तो उसकी लोकेशन आप लोग सही तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये कहाँ पास है, कौन सा है, ठीक है। तो इस पर हम देखें तो L9859B आप लोगों का दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस पे से हम देखते हैं कि ये जो है तो ये नासा के ट्रांजिटिंग एक्जो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि TESS, उसने L9859B को एक नए ग्रह की, मतलब कि ये जो नया ग्रह है इसकी खोज की है, ठीक है। L9859B क्या है, पहली बात तो आप लोग ये याद रखिएगा कि स्पष्ट तौर पे क्या है, ये एक ग्रह है जिसे किसने खोजा है, तो नासा के टेस ने इसको खोजा है। टेस मतलब कि ट्रांजिटिंग एक्जो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इसके द्वारा इसको खोजा गया है। इसकी साइज की बात करते हैं तो ये जो है तो इसका आकार जो है तो पृथ्वी के आकार का लगभग लगभग 80% है, ठीक है। ये मंगल और पृथ्वी के आकार के एक प्रकार से बीच में है दोनों के साइज पे। और ये इस पे देखें तो ये जो उपग्रह है अब तक का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। याद रखिएगा कि सबसे छोटा ग्रह खोजा गया अभी तक 9859B, L9859B, ठीक। अब इसकी बात करते हैं तो इसके पास लगभग बात करें तो ये एक चमकदार और शांत तारे की परिक्रमा करता है, ठीक है ये भी। और इस तारे का जो यदि मास की बात करते हैं तो सूर्य से लगभग लगभग 1/3 है इसका जो द्रव्यमान की बात करते हैं तो। और ये जो है तो लगभग 35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर भी है, ठीक है। यदि यहाँ पास देखें कि ये जो तारा था जिसकी वो मतलब कि परिक्रमा कर रहा था ये L9859B, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1/3 था और ये लगभग लगभग 35 लाइट ईयर की दूरी पर है। और बात करते हैं L9859B के बारे में तो इसके अलावा दो अन्य ग्रह भी हैं L9859 जिसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये देखें L9859C और L9859D, ये पृथ्वी से लगभग लगभग 1.4 और 1.6 गुना आकार के हैं, ठीक है, साइज में बड़े हैं। और यदि बात करते हैं कि L9859B जो है तो टेस्ट के लिए एक रिकॉर्ड है। इस पर नासा के केपलर उपग्रह द्वारा जो एकत्र किए गए जो डाटा हैं और उसमें भी छोटे ग्रहों की जो खोज है उसकी भी एक प्रकार से उसमें भी मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को स्पेशली जो है तो मेन बहुत ज़्यादा इसके उस पर डीप पे नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ आप लोग यहाँ पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि L9859B ये क्या है, ठीक है। और इससे थोड़ा बहुत आपका मतलब कि अर्थ से क्या इसकी जो है तो सिमिलरिटीज़ हैं या अर्थ से इसका क्या कुछ मतलब कि वो है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट इस पर। नेक्स्ट टॉपिक है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले समय में ये इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है तो ये सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड मतलब जो है तो इसके बारे में सरकार पहल अपने शुरू कर चुकी है, ठीक है। यदि बात करते हैं कि जो राशन कार्ड होते हैं मतलब कि इसका संशय कि नेशनल लेवल पर पोर्टेबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि सभी लाभार्थियों को एक प्रकार से ऐसा वो किया जाए कि मतलब कि एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट के लोग। यहाँ पास आप लोग को एक पता ही होगा कि भारत में एक जो इंटरनल जो माइग्रेशन होता है यानी कि इंटर स्टेट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य या कि एक शहर से दूसरे शहर, है ना, छोटे शहर से बड़े शहर, यहाँ पास ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, है ना। और विशेष मुद्दा जैसे कि शिक्षा है, बेरोजगारी है ना, रोजगार की तलाश में भी लोग अंतर प्रवासन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब ये तरह ये होता है तो क्या होता है कि जो एक व्यक्ति जहाँ पास का लाभार्थी है, जहाँ पास मेन ओरिजिन का वो लाभार्थी है, जब वो दूसरी जगह पे जाता है तो वो उन चीज़ों को उसे लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो इससे ये एडवांटेज होगा इससे कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जब हो जाएगा तो वो व्यक्ति जो मूल क्षेत्र का है, यदि उसका राशन कार्ड वहाँ पास बना हुआ है तो कहीं भी भारत के अंदर रहे उसको वहाँ भी उसी तरह से राशन कार्ड का लाभ मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस मतलब कि एक तरह से नेशनलाइजेशन राशन कार्ड को नेशनल लेवल पे जो है तो गवर्नमेंट को इस प्रकार से इंटरलिंक करने का ये एक प्रयास है, ठीक है। हालांकि यदि बात करते हैं कि इसके बारे में जैसे मतलब कुछ राज्यों ने इसको हालांकि अपनाया है, ये भी एक अच्छी बात की जा सकती है ना, लेकिन अभी पूरी तरह से इसको नहीं अपनाया गया है
ना यदि बात करते हैं कि जैसे थोड़ा सा इसमें इसके पॉइंट पे देखें कि जो लाभार्थी को स्वतंत्रता प्रदान ऐसा करेगा क्योंकि वे किसी एक पीड़ित दुकान से बंधे नहीं होंगे और इससे उनकी जो निर्भरता है दुकान के मालिकों पर भी कम होगी और इस प्रकार जो भ्रष्टाचार संबंधित मामले भी उस पर भी काफ़ी कुछ लगाम लगेगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। वहीं यदि बात करते हैं कि वर्तमान सिचुएशन की बात करते हैं जो PDS है, यानी उसमें ऐसी PDS के बारे में देखें तो PDS इस ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई भी लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले के अपने अनाज के हिस्से का लाभ उठा सकता है। और यदि बात करते हैं तो इसमें ये जो है तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा, इनमें पहले से ही चालू है, यानी इंटीग्रेटेड तरीके से जो है तो इन राज्यों में अभी तक लागू है इस तरह का सिस्टम, जो कि भारत सरकार जो है तो पूरी तरह से नेशनल लेवल पे बात कर रही है। तो ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आप लोग इसको उदाहरण भी बता सकते हैं, है ना, अभी अपने जो गवर्नेंस उसमें लिखने को होगा ना, किस प्रकार से उसके एडवांटेज देखे जा सकते हैं। वहीं यदि बात करते हैं कि गवर्नमेंट के बारे में, मतलब कि ये नेशनल लेवल पे जो है तो इस चीज़ को, और साथ ही साथ और भी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पहलू देखे जा सकते हैं कि जैसे कि क्या होता है ना कि जो रिपीटेशन भी हो जाता है कभी कभी जो ना, तो जो देखें इसमें राष्ट्रीय स्तर पे जो दोहराव है तो उसमें भी ख़त्म करने के लिए बात की जा रही है यहाँ पास, कि यदि ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा नेशनल लेवल पे, एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड हो जाएगा ना, तो वहाँ पास ये भी देखने को मिला है कि यदि इस प्रकार, मतलब ये नहीं हुआ है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फर्जी राशन कार्ड यदि एक यहाँ पास हो गया, दूसरी जगह भी वो बना करके दोनों जगह से लाभ ले रहे हैं, या कि एक व्यक्ति है वो यदि वहाँ नहीं भी रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो है तो वहीं पास उसके राशन कार्ड का प्रयोग करके फर्जी तरीके से ले रहा है, जबकि वो सक्षम है उन चीज़ों को, मतलब कि उसको उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो भी जो है तो उसका वो लाभ ले रहा है ना। तो इससे भी जो है तो काफ़ी कुछ, मतलब कि, मतलब हेल्प मिल जाएगी और इन चीज़ों पर जो सही जिसको ज़रूरत है उस व्यक्ति को उसका सटीक लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी, मतलब कि इस इंटीग्रेट करने पर जो है तो फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक याद रखिएगा आप लोग कि ये जो है तो रमेश चंद्र कार समूह, ये भी हाल ही में कमेटी गठित की गई है। तो रमेश चंद्र कमेटी आप लोग याद रखिए किससे संबंधित है, तो रमेश चंद्र कार समूह जो है तो ये जो है तो WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक बेस ईयर 2011-12 जो है तो उसकी जो वर्तमान श्रृंखला है उसको संशोधन के लिए एक ये जो रमेश चंद्र कार समूह गठित किया गया है। ठीक है, WPI संबंधित है ये। ठीक है, उसकी समीक्षा करेगा। नेक्स्ट कमेटी की बात करते हैं, अरुणा सुंदर राजन समिति। तो अरुणा सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है, तो ये जो है तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने इसको गठित इनको गठित किया है। ये दूरसंचार क्षेत्र के पुनरुद्धार संबंधित जो है तो उसके लिए कमेटी गठित की गई है। याद रखिए कि ये भी दूरसंचार संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भुगतान आंकड़ों के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा कि जो भुगतान आंकड़े हैं तो RBI के द्वारा कुछ, मतलब कि स्पष्ट किया गया है कि जैसे कि भुगतान प्रणाली है तो ये जो भुगतान प्रणाली प्रदाता हैं उनको संपूर्ण भुगतान डेटा केवल भारत में एक प्रणाली में ही संग्रहित करना होगा। ठीक है, इसके बारे में जो है तो याद रखें, ये हालांकि आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ये थोड़ा मैंने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है और साथ ही साथ जो है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी ये थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा, इसलिए ये टॉपिक को मैंने डाल दिया, यहाँ पास इसमें ऐड किया है। ठीक है, ये देखते हैं कि भुगतान प्रणाली जो है तो ऑपरेटर यानी कि जो PSO होते हैं उनके द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगी थी, उसके बाद जो है RBI ने जो है तो क्वेश्चंस की एक प्रकार से वो डाला है ना FNQ। तो इसमें देखते हैं कि इसमें RBI ने कुछ स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि संपूर्ण भारत में डेटा केवल भारत में स्थित प्रणालियों में ही स्टोर करके रखा जाएगा। साथ ही साथ डेटा यदि विदेश में प्रसंस्करण किया जाता है तो डेटा को विदेश में सिस्टम से हटा दिया जाना चाहिए और भुगतान प्रसंस्करण से 24 आवर या कार्य दिवस के भीतर जो ही पहले हो भारत में डाटा को वापस लाया जाना चाहिए। साथ ही साथ डेटा में एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ जो है तो लेनदेन विवरण और भुगतान या निपटान लेनदेन से संबंधित जानकारी शामिल हो, जो भुगतान संदेश निर्देश के हिस्से के रूप में इकट्ठा प्रशिक्षित और संसाधित होती है ना, यानी कि डेटा की किस प्रकार से प्राइवेसी संबंधित जो है तो गवर्नमेंट की ये वो है। साथ ही साथ डेटा ग्राहक के नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर जैसे जो डेटा संबंधित जो भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, भुगतान संवेदनशील डाटा जैसे लाभार्थी, इसमें कुछ और इसके डाटा के क्राइटेरिया की बात करें कि जो सेंसिटिव डाटा होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसमें जैसे कि कोई अकाउंट नंबर हो, ठीक है, OTP हो, पिन नंबर और लेन देन संबंधित कोई भी जो भी डाटा हो, उस प्रकार की जो राशि है उनके भुगतान के साथ मूल और गंतव्य सिस्टम की जो जानकारी है उस वो भी इसमें जो है तो इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, UNSC में गैर स्थायी सीट से संबंधित ये मामला है। ठीक है, इसमें से देखते हैं तो ये जो है तो भी जैसे कि हाल ही में 2021-22 के लिए भारत को फिर से जो है तो अस्थायी सदस्य के तौर पे यहाँ पास
मतलब चुने जाने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एसपी के मतलब कि एशिया प्रशांत ग्रुप ने, जिसमें से 55 सदस्य लगभग हैं, उन्होंने जो है तो इसमें भारत को समर्थन भी दे दिया है ना, इसलिए ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो इसमें यदि देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में देखें हम कि यूएनएससी क्या है, ठीक है। तो यूएनएससी के बारे में यदि हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लें तो यदि हम यूएनएससी के बारे में जानें तो जो यूएनएससी होती है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये जो है तो जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, उसकी जो छः इम्पोर्टेंट बॉडी हैं, छः महत्वपूर्ण बॉडियों में से एक ये है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब छः इम्पोर्टेंट बॉडी में से देखें तो यहाँ पास आप लोग याद रखें कि जो इसमें जो यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सबसे स्ट्रांग बॉडी मानी जाती है संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण डिसीजंस वगैरह जो है तो यही लेती है, यूएनएससी ही लेती है। इसमें देखें तो टोटल इसमें कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं। इन 15 मेंबर में से जो 5 मेंबर होते हैं वो जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं, जिन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है। ये परमानेंट 5 मेंबर कौन कौन से हैं, तो उसमें से है आपका, इनके बारे में जाने, अमेरिका, रूस, चाइना, यूके मींस ब्रिटेन और आपका फ्रांस। ये जो है तो 5 जो है तो परमानेंट मेंबर इसके हैं, ठीक है। और बाकी कि जो 10 होते हैं ये अस्थाई सदस्य के तौर पे होते हैं इसमें यूएनएससी में। तो इन्हीं 10 अस्थाई सदस्यों में से एक जो है 2021-22 में भारत को चुना जाएगा फिर से। और यदि इसमें से बारे में देखें तो ये जो 10 अस्थाई सदस्य होंगे ये रेंडमली चुने जाते हैं, ठीक है। ये कैसे, यहाँ पास इसका भी क्राइटेरिया फिक्स है कि जो विभिन्न महाद्वीपों से जो है तो इनके देश जो है तो उनका चयन होगा। जैसे फिक्स है कि अफ्रीका से जो है तो 3 देश जो है तो यूएनएससी के अस्थाई सदस्य के तौर पे चुने जाएंगे रेंडमली तौर पे। साथ ही साथ एशिया से 2 सदस्य चुने जाएंगे, यानी कि 2 देश चुने जाएंगे अस्थाई सदस्य के लिए अल्टरनेट तौर पे। लैटिन अमेरिका से भी 2 होंगे। और यदि बात करते हैं कि जो यहाँ पास ईस्टर्न यूरोप और जो उससे हैं तो उससे भी लगभग 2 ही चुने जाएंगे, और यहाँ पास जो वेस्टर्न यूरोप है उससे 1 चुना जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पास एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक जो एशिया है और अफ्रीका है ना, एशिया और अफ्रीका उनके बीच अनौपचारिक तौर पे एक आम सहमति ऐसी है कि जो अरब देश है ना, अरब देश से एक मेंबर भी चयनित होगा ही होगा। ये ऐसा उनके बीच कोई ऑफिशियल ऐसी बाउंडिंग नहीं है, ये अनऑफिशियल ऐसा उनकी एक आम सहमति है, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और यदि हम इसके बारे में थोड़ा देखें, एक बात और यहाँ पास से आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूएन है, उसके 6 अंगों की बात हम लोग की, लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा हम इसमें प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 इंपॉर्टेंट अंग हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पहला जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बॉडी है यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड है इसका कि इसका सेक्रेटरिएट संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय, ठीक है, सेक्रेटरिएट सेकंड बॉडी होगी। यदि हम थर्ड बारी इसकी बॉडी की बात करते हैं तो थर्ड महत्वपूर्ण बात वो है यूएन की जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली जो है तो इसकी थर्ड इम्पोर्टेंट बॉडी है। फोर्थ की बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना ही होगा, चर्चा में रहता है ICJ, है ना, कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल, ठीक है, 4 बॉडी होगी। पाँचवीं की बात करते हैं तो आपकी जो पाँचवीं है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी कि यदि बात करते हैं ESUS, ठीक है। और लास्ट की बात करते हैं तो ये है संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है तो यानी कि न्याय परिषद, न्यास परिषद। ये जो आपकी 6 संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण बॉडी हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और जिसमें सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉडी की बात करते हैं तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सभी बड़े डिसीजन जो है तो ये लेने में सक्षम है, जैसे कि ग्लोबल पीस के लिए, है ना, विश्व शांति संबंधित, जो भी सिक्योरिटी संबंधित जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसके लिए टॉप बॉडी मानी जाती है यूएनएससी। और P4 तो आप लोग जो इसकी मतलब कि जो P5 सुपर मतलब कि वीटो पावर जिन्हों 5 को मिला है वो तो है ही, उनके डिसीजन तो महत्वपूर्ण होते ही है ना, उनमें से यदि कोई एक भी यदि एग्री नहीं है तो वो रिजर्वेशन ही नहीं हो पाता है, पारित हो पाता है। और यदि इस पे से बात करें कोई भी जो बाइंडिंग रिजर्वेशन होता है तो यूएनएससी के द्वारा ही उसमें पारित किए करने की उनमें ही कैपेसिटी है। और यदि बात करते हैं कि आपकी जो जनरल असेंबली है तो आपको पता ही होगा कि लगभग लगभग 93 जो कंट्रीज़ हैं आपके जो है तो इसमें सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है। तो ये आपकी जो है तो एक नॉर्मल आपको इतना आइडिया तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम चलते हैं अपने इस पर
कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें बात करते हैं, तो क्या है और भी महत्वपूर्ण इस पर। तो जैसे ये बात करके भारत 2021-22 में आखिर क्यों यूएनएससी का गैर स्थायी सीट यहाँ पास ले रहा है, जबकि बात करते हैं कि 2011-12 के समय जो है तो भारत गैर स्थायी सदस्य था यहाँ पास यूएनएससी में, है ना। लेकिन क्या ऐसी जरूरत पड़ी यहाँ पास, जैसे कि वर्तमान में जो ग्लोबल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना, पाकिस्तान चीन भी यहाँ पास जो है तो किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र में जो है तो एक प्रकार से काफ़ी भारत के लिए चैलेंज पैदा कर रहा है ना, समस्या देखने को मिल रही, इसीलिए जो है तो यहाँ पास जो है तो भारत ने जो है साथ ही साथ आज़ादी के 75 ईयर भी होने वाले हैं, है ना, 2021-22 में, तो यहाँ इसीलिए जो है तो यहाँ पास भारत ये जो इसमें बात करते हैं इसमें कि ये जो रैंडमली यहाँ पास नंबर आने वाला था तो ये अफगानिस्तान का नंबर आने वाला था, है ना, तो उसकी जगह पे जो है तो भारत ने बोला कि अभी मैंने मतलब कि खुद के लिए जो है पास मतलब कि रिक्वेस्ट की थी, इसलिए जो है तो यहाँ पास भारत यहाँ पास और भारत को साथ ही साथ समर्थन भी मिल गया है, तो इसीलिए जो है तो मतलब काफ़ी कुछ चांसेस यहाँ पास बढ़ गए हैं कि भारत जो है तो 2021-22 में इसका जो है तो अस्थायी सदस्य बनेगा। यदि इस पर देखते हैं कि पैसिफिक एशियन ने इसको जो है तो मतलब कि एशिया प्रशांत ने इसको सपोर्ट किया है, तो ये 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत की बात करते हैं जो प्रशांत समूह को लगभग 2020 के चुनाव के लिए अपने किसी एक सदस्य को यूनेस्को की गैर स्थायी सीट पर नामांकित करना है। यानी कि बात करते हैं कि जो 55 स्थायी सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह है तो ये 2020 में इनके लिए ऐसा मतलब कि यही जो है तो कोई अपना एक सदस्य जो है तो इसमें चयनित करते, तो इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य की बात करते हैं तो उन्हें और समर्थन प्राप्त करने के लिए जो संबंध में भारत की जो उम्मीदवारी के लिए कोई दूसरा इसके विरुद्ध भारत के लिए अगेंस्ट में नहीं खड़ा हुआ था, इसलिए भारत को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिला, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं कि जो यूएनएससी है, यूएनएससी की जो गैर स्थायी सीट है उसको जीतने के लिए भारत की जो 193 संयुक्त राष्ट्र महासभा है यानी कि यूएन जनरल असेंबली है, तो उसके जो 193 सदस्य हैं उसमें से 2/3 सदस्य की मतलब कि वोटों का समर्थन भारत को जरूरत होगी, तब भारत गैर स्थायी मतलब भारत के लिए नहीं इवन कोई भी देश गैर स्थायी सदस्य इसमें मतलब कि सदस्यता चाहता है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये मिलना ही जरूरी ही है, यानी कि यूएन जनरल असेंबली में उसे 2/3 वोट या 2/3 समर्थन मिलेगा तभी वो गैर स्थायी सदस्य मतलब कि गैर स्थायी उसमें उसको सीट मिलेगी, ठीक है। यदि बात करते हैं कि भारत जो है तो यूएनएससी का कोई पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी भारत जो है 7 बार बन चुका है इसका सदस्य, ठीक है। वो कौन कौन से, 1950 में बना था, ठीक है, 1967 से 68 के बीच बना था, 1972-73 के बीच बना था, 77-78 में बना था, 84-85 में बना था, 1991-92 में बना था और 2011-2012 में भी भारत बन चुका है, ठीक है, यूएनएससी का मेंबर। अभी तो बात करते हैं कि हर वर्ष महासभा जो है तो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, ठीक है, हर साल। तो ये बात करते हैं कि इन 10 सीटों को क्षेत्रों के बीच वितरित किया जाता है, ये हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है। तो इसमें से जैसे कि अफ्रीकी देशों के लिए, 2 एशिया प्रशांत देशों के लिए, है ना, एक पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए, है ना, ये और क्लासिफिकेशन इसके बारे में भी और भी किया गया कि जैसे 2 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के लिए भी, 2 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास जो एशिया प्रशांत जिसने समर्थन किया है उसके 2 यहाँ पास नंबर्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक सीट जो है तो अरब देश के लिए, हम लोग इसके बारे में बात कर लिया है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट अपने यह है महाराजा रणजीत सिंह की, जो हाल ही में जैसे पाकिस्तान के लाहौर में जो है तो सिख शासक की महाराजा रणजीत सिंह है, इनकी 180वीं पुण्यतिथि जो है तो मनाई गई थी, ठीक है। तो 180वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो है तो ये इनकी मूर्ति, बड़ी सी मूर्ति जो है तो स्थापित की गई है, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो मूर्ति है ये लाहौर के किले में माई जिंदियन हवेली के बाहर एक खुली जगह पर स्थापित की गई है, और ये जो है इसके बारे में बात करते हैं तो यह एक इमारत के करीब होगा जिसमें से रंजीत सिंह की यहाँ पर समाधि रखी गई है, है ना, वहीं पास ये जो है तो मूर्ति बनाई गई है। और ये जो हवेली की बात करते हैं तो ये हवेली का जो नाम है वो रणजीत सिंह की जो सबसे छोटी रानी है उनके नाम पर रखा गया है, माई जिंदियन हवेली, ठीक है। इसके बारे में देखें कि जो विशाल प्रतिमा बनाई गई है तो इस पर जो है तो रणजीत सिंह हैं, वो अपने जो उनका फेवरेट घोड़ा था, इस घोड़े का जो नाम था कहार, उस पर सवारी करते हुए दिखाई गई इनकी इमेज। और साथ ही साथ जो है तो ये बात करती है जो घोड़ा है तो ये अरबी घोड़ा है जो कि उनके दोस्त बाराजकई और वंश के संस्थापक मोहम्मद खान के द्वारा उपहार के तौर पर दिया गया था, ठीक है। यदि इसके बारे में देखते हैं तो 2003 में जो रंजीत सिंह हैं उनकी लगभग 22 फीट ऊँची जो कांस्य की प्रतिमा थी वो भारत के संसद में भी स्थापित की गई है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ये न केवल भारत में बल्कि पंजाब के साथ सैन्य संबंध रखने वाले एक फ्रांसीसी सर सेंट प्रोपेज में 2016 में जो है तो रणजीत सिंह का कांस्य का एक उनका एक प्रकार से धड़ भी स्थापित किया गया था मूर्ति के तौर पे, ठीक है, मूर्ति, ठीक है। तो इस पर देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के संबंधित बारे में थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर देखते हैं। तो
एक बात यहाँ पास आप लोग, यहाँ पास आपको रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक नया पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये देखें तो महाराजा रणजीत सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों के, दोनों ही उस पर जो है तो पॉपुलर हैं, ठीक है, इस पर देख देख सकते हैं। तो ये आपके एक डिप्लोमेसी में भी ये चीज़ें कभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकी भी काफ़ी भूमिका होती है डिप्लोमेसी में, ठीक है। जैसे आपकी बात करते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये भी थोड़ा सा डिप्लोमेसी में किस प्रकार से भूमिका ये निभा सकता है ना, किस प्रकार से जो हमारी नीति है उनमें कुछ उदारता बरत सकता है, और भी नए आयाम उसमें से जुड़ जाते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू इस हम इस डायमेंशन से भी देखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये तो हुआ, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इनके देखें तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यदि बात करें तो 1801 से 1839 में लगभग 40 वर्ष तक इन्होंने पंजाब में शासन किया है, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने। अब यदि बात करें हम तो ये जो रणजीत सिंह हैं तो इनका जो फेवरेट नाम था ये शेर पंजाब के नाम से फेमस थे, ठीक है, शेर पंजाब के नाम से काफ़ी पॉपुलर थे रणजीत सिंह। साथ ही साथ लाहौर के साथ भी इनका काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहा है, रणजीत सिंह के नेतृत्व में ही जो है लाहौर सिख साम्राज्य की राजधानी भी बनी थी, ठीक है। तो ये इनका अंतिम विश्राम स्थल भी था, ठीक है, अंतिम निवासी स्थल था। वहीं बात करें तो उनके जो सिख साम्राज्य हैं तो उसमें शासन करने से पहले लाहौर में शहर के विभिन्न हिस्सों में भी अलग अलग युद्धरत गुट समूह हैं, उनमें भी शासन में काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी भी देखी गई थी, है ना, उनके शासन के समय की बात कर रहे हैं। वहीं 1799 में जो उन्होंने लाहौर पर कब्जा किया था और सभी युद्धरत गुट जो गुट थे उनको इंटीग्रेट कर दिया था और एक साम्राज्य स्थापित किया था। तो यानी कि उन्होंने लाहौर को अफगानों के आक्रमण से बचाया और लाहौर शहर में एक मुगल वास्तुकला का भी एक महत्वपूर्ण मतलब कि उन्होंने बहाली भी की थी। तो ये जो है तो उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा आप लोगों को इतना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में भी, है ना, हाल ही में जैसे चर्चा भी रहा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि नई राष्ट्रीय रबड़ नीति क्या है, ठीक है, नई राष्ट्रीय रबड़ नीति के बारे में थोड़ा सा हम जानें। ये मार्च 19 में जो है तो वाणिज्य विभाग ने ये जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर लाया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करें तो जो अपनी नेशनल रबर पॉलिसी है उसमें जो है तो नेचुरल रबर जो है यानी प्राकृतिक रबर उसके प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो है और साथ ही साथ संपूर्ण जो रबड़ उद्योग है ना तो उनकी जो मूल्य श्रृंखला है उनका भी एक प्रकार से समर्थन करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें नए आयाम जोड़े गए, यानी कि नेचुरल रबर जो है तो उसकी उस मतलब उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ इस नीति में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नीति में बात करते हैं तो नई रोपण और रबड़ का जो है तो पुनःरोपण, उत्पादकों के लिए समर्थन, प्राकृतिक रबड़ के प्रसंस्करण विपणन, श्रम की कमी, उत्पादक मंचों, बाहरी व्यापार केंद्र, राज्य की रणनीति, अनुसंधान, है ना, R&D, इनमें जो है तो काफ़ी कुछ मतलब कि इसमें नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। साथ ही साथ उत्पाद निर्माण और निर्यात, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज संबंधित चीज़ों पर और कार्बन बाजार जो है तो ये हर चीज़ें इनमें काफ़ी नई डायमेंशन इनमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना। ये बहुत सी चीज़ें तो कॉमन है आप इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो, है ना, और ये जो एक प्रकार से रबर नेचुरल जो रबर प्रोडक्शन है उसको काफ़ी इन्हेंस करने की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ध्यान रख करके इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे जो है तो एक्सपोर्ट को भी रबर के प्रोडक्शन को इसमें बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ सरकार का जो है तो प्रयास है। तो यदि हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक रबड़ है तो ये जो प्राकृतिक रबड़ जो है तो पेड़ की प्रजातियों में से एक व्यावसायिक रोपण फसल है ना। यदि इस पर बात करते हैं तो हेवरविशिलियंस उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, है ना, तो इस पे से इन परिस्थितियों में इसे उगाया जाता है। जो प्राकृतिक रबड़ है वो कैसी परिस्थितियों के लिए होनी चाहिए तो होनी चाहिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो इस पे से यदि बात करें हम तो जो नेचुरल रबर है तो ये है ब्रेशलेसेंस यानी कि एक पेड़ की प्रजाति है उससे रिलेटेड है, ठीक है, आप याद रखिए है ब्रेशलेसेंस है, ठीक है। तो इस पे से देखते हैं कि एक व्यावसायिक रोपण फसल है जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि भारत जो है तो वर्तमान में जो जो प्राकृतिक रबड़ है उसका छठा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व स्तर पर जो दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। और वर्तमान में जो भारत की जो कुल प्राकृतिक रबड़ की खपत है उसका लगभग 40% रबड़ के आयात से ही पूरा होता है ना, यानी कि भारत जो है तो अभी काफ़ी कुछ जो है तो इम्पोर्ट पर ही निर्भर है रबड़ के, और रबड़ की इम्पोर्टेंस आप लोग को पता ही होगा कि काफ़ी ब्रॉड लेवल पर इसकी इम्पोर्टेंस भी है ना। तो इससे संबंधित है। साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है कि जो उत्पादन का लगभग 81% जो भाग है प्राकृतिक रबड़ उगाने वाले राज्यों से ही आता है। इसमें से बात करते हैं भारत में तो केरल और तमिलनाडु जो इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है, 81% यहीं से 81% जो है तो केरल तमिलनाडु से जो है तो रबड़ प्राकृतिक रबड़ पारंपरिक रबड़ देखी जा सकती है। साथ ही साथ जो है तो सेंट्रल के नियंत्रण में रबड़ उद्योग का विकास रबड़ अधिनियम 1947 के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इसके ही निगरानी में नियंत्रण में होता है इसका विकास, और ये रबड़ एक्ट 1947 के तहत ही होता है। साथ ही साथ जो बात करते हैं कि रबड़ बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो केरल के कोट्टयम में स्थित है
और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासन के अधीन कार्य करता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है पोलावरम परियोजना, ठीक है, ये हाल ही में बहुत चर्चित रही पोलावरम परियोजना, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस और यहाँ पास क्या इसकी लोकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर देखते हैं कि पहली बात तो आप लोग यहाँ पास देखें कि इसकी इमेज में पोलावरम की लोकेशन को आप लोग ध्यान देखें, है ना, यहाँ पास देखें तो आपका पोलावरम ये जो लोकेशन है, तो पहली बात देखें कि पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है, तो ये जो है तो बहुउद्देशीय सिंचाई प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस पे देखते हैं, तो जो ये जो प्रोजेक्ट है उसमें गोदावरी नदी पर मिट्टी और पत्थर युक्त जो बांध है उसके निर्माण की परिकल्पना है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई की बात करते हैं ये 48 मीटर ऊंचाई होगी। साथ ही साथ इसकी लोकेशन में यदि देखें हम, ये आंध्र प्रदेश के जो पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर किया जा रहा है, यानी कि गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, गोदावरी रिवर भी दोनों एक ही हैं, ठीक है, तो गोदावरी नदी पे ये बन रहा है पोलावरम बांध, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी जिले में, ठीक है, आप लोग यहाँ पर लोकेशन देख भी रहे होंगे। साथ ही साथ बात करते हैं कि इसका जो जलाशय है ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्यों तक भी फैला हुआ है, यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, ठीक है, तीन स्टेट इसमें इंक्लूड हो गए, कौन कौन से, आंध्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ ये बात करते हैं कि 2014 में भारत सरकार ने पोलावरम प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की थी, यह महत्वपूर्ण है कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे इसको गवर्नमेंट ने 2014 में डिक्लेयर किया था। मई 14 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोलावरम परियोजना प्राधिकरण का गठन किया है, इसका जो वो भी गठन हो गया है, प्राधिकरण भी, ट्रिब्यूनल भी, ठीक है। यदि बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के लिए महत्व इसके क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आंध्र प्रदेश में कुछ ये है कि लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि को ये जो है तो सिंचित करेगा, साथ ही साथ 960 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ जो है तो जल विद्युत भी जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और 25 लाख आबादी को ये कवर करने वाला प्रोजेक्ट है, और लगभग लगभग इसके आसपास 540 गांव को भी पीने के लिए पानी की भी सुविधा इससे महत्वपूर्ण मतलब अवेलेबल हो पाएगी, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग देख सकते हैं, इसलिए पोलावरम प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए आप लोग इसकी लोकेशन इसके बारे में थोड़ा बहुत ये आइडिया रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, क्या है ये डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, ये जो है तो यानी कि साथ ही साथ इसमें से एसेंट ग्रीन फ्यूल इसमें भी प्रयोग किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये देखते हैं कि डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक के बारे में देखें, तो एलन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स है उसने अपने थर्ड मिशन पर फाल्कन नाम के भारी जो अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है, उसमें विभिन्न संगठन जिनमें से कि और भी सरकारी एजेंसियाँ भी थी, जैसे कि मतलब कि नासा वगैरह है ना, तो ये इसमें इंक्लूड थी, उसमें से भारी पेलोड भी शामिल किए गए थे, जिसमें 24 उपग्रह के साथ डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक और एसेंट ग्रीन फ्यूल ये दोनों चीज़ें इंक्लूड थी, ये तो इसका बैकग्राउंड हुआ, ठीक है, कंटेक्स्ट में था। अब यदि बात करते हैं डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा ये आप लोगों के साइंस एंड टेक में काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पेस एक्स जो है तो एलन मस्क की अपनी प्राइवेट कंपनी है, काफ़ी कुछ ये ब्रॉड लेवल पर काम भी कर रही है, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं कि डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक के बारे में बात करते हैं, तो डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक जो है तो ये परमाणु घड़ियाँ या कि परमाणुओं के व्यवहार को यथासंभव सटीक रूप से देखते हुए काम करती है ना, यानी कि जो टाइमिंग में थोड़ा बहुत भी हेर फेर होना एक्यूरेट टाइम के बारे में जो है ये फोकस करता है। यदि बात करते हैं कि डीएससी जो है तो इसके प्रति दशक एक माइक्रोसेकंड से बेहतर यानी कि एक सेकंड पर प्रति 10 मिलियन वर्ष यानी स्थिर रहने की उम्मीद है, यानी कि इसमें थोड़ा सा एक प्रकार से जो है तो ये माइक्रोसेकंड जो होता है उससे भी एक्यूरेट टाइम के लिए जो है तो डीएससी ये फोकस करता है। जो पहले से जैसे कि जीपीएस उपग्रह पर सवार जैसे परमाणु घड़ी है उनकी तुलना में लगभग 50 गुना एक्यूरेट हो गई है, ठीक है, क्योंकि जो जीपीएस वगैरह के उपग्रह होते हैं जिसमें जीपीएस फिट होता है तो उनमें जो परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक होती हैं तो उनमें जो टाइम की एक्यूरेसी होती है माप करने की तो उसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी कम होती है, तो उससे 50 गुना ज़्यादा एक्यूरेट ये होगा, ठीक है, डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, इसकी महत्वपूर्णता आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि और भी सटीक टाइम होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि पॉइंट सेकंड भी यदि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो बहुत कुछ चीज़ें वो हो जाती हैं, है ना, तो ये मतलब कि कह सकते हैं कि एक और एक्यूरेसी यहाँ पास मेंटेन होगी टाइम से रिलेटेड तो और भी मतलब कि काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाएंगे। यदि इसमें बात करते हैं कि वर्तमान में जैसे कि उपग्रह पृथ्वी के साथ संकेतों के आदान प्रदान पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि जहाँ ये परमाणु घड़ियाँ संकेतों के आने पर जो टाइम लगता है उसको काउंट करती हैं, है ना, तो अंतरिक्ष में नई परमाणु घड़ी पर निर्भर नई तकनीक का लक्ष्य जो है तो अंतरिक्ष यान के स्वयं संचालन में भी ये फोकस करेगा, ठीक है। यदि बात करते हैं कि नासा के द्वारा जो डीएससी परियोजना है उसका अंतरिक्ष में प्रदर्शन एक मतलब एक साल लंबा रहेगा, ठीक है, ये तो इसकी ड्यूरेशन की बात हो गई। यदि थोड़ा सा बात करके एशंट ग्रीन फ्यूल ये भी इसी के साथ ही था, तो इसके बारे में यानी कि हरित ईंधन है ना, तो ये हरित ईंधन कैसे, यदि इस पे से देखते हैं
तो उपग्रहों में से एक परीक्षण अंतरिक्ष सुरक्षित रॉकेट ईंधन के लिए होगा, है ना। इसमें देखें कि उपग्रह में जैसे इस्तेमाल किया जाएगा जो एक ट्रेडिशनल फ्यूल होता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो नॉर्मल कॉमन ही प्रयोग होता है हाइड्रोजन, तो ये मनुष्यों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये प्रयोग होता है तो ये हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। तो इसीलिए जो ये एसेंट ग्रीन फ्यूल है ये इसके एक ऑप्शन के तौर पर आया है, ठीक है, यानी कि एडवांस स्पेस क्राफ्ट एनर्जेटिक नॉन टॉक्सिक प्रोपेलेंट होगा, इसको कहा जा सकता है, जो कि हाइड्रोक्सिल अमोनियम नाइट्रेट ईंधन या ऑक्सीडाइजर का मिश्रण होगा, ठीक है, ये इसमें कंटेंट मिक्स होंगे, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का एक बेहतर विकल्प के तौर पर इसको देखा जा सकता है, एसेंट ग्रीन फ्यूल के नाम से इसे जाना जाता है। ये आप लोगों को महत्वपूर्ण ये याद रखने की जरूरत है, आप इसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग में एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस प्रकार से जो है तो इसमें भी और कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं इस तरह की चीज़ों पे, है ना। साथ ही साथ बात करते हैं कि एशंट जो है उसको हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम विषाक्तता के स्तर के साथ ईंधन के रूप में वर्णित किया गया है, और ये संभावित रूप से ये कम प्रक्षेपण समय ले, मतलब कि ये एफिशिएंट भी है ना, कम समय भी लेता है और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा इको फ्रेंडली भी है, है ना। तो इस पर देखते हैं कि इसकी और भी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सौर चालित एक सौर ऊर्जा से चलता है, ठीक है। अब ये इसमें देखते हैं कि लाइट सेल टू प्लानिटरी सोसाइटी की क्राउड फंडिंग द्वारा पोषित सौर ऊर्जा चालित प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा देखें कि सौर ऊर्जा चालित पार्क के बारे में देखें तो ये थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखिएगा, ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ना, और ये सूर्य की रोशनी के द्वारा पूरी तरह से प्रक्षेपित होने वाला जो पहला परिक्रमा अंतरिक्षयान होगा, ठीक है, सौर ऊर्जा चालित पाल है, इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य और पोषण सुरक्षा, ठीक है, खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधित, ये आप लोगों के लिए यहाँ पास मैंने स्पेशली जो है तो मेंस को भी फोकस करके जो है तो ये कुछ डाटा मैंने डाल दिया है इसमें, है ना। तो ये लोग आप ये जो है तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट अच्छे डाटा लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो ये आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है और आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के हिसाब से, तो हालांकि इंटरलिंक से बहुत कुछ चीज़ें निकल सकती हैं, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ध्यान से रखिएगा। कि जैसे कि बात करते हैं खाद्य पोषण सुरक्षा के बारे में देखते हैं, तो जैसे देश की खाद्य पोषण सुरक्षा के विश्लेषण के अनुसार बात की जाए तो 2022 यानी कि 2022 तक 3 भारतीय बच्चों में से लगभग एक अविकसित छोटे कद का होगा, ये ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो इसके जो देश की खाद्य पोषण सुरक्षा का जो विश्लेषण किया गया था उसके अनुसार था कि 2022 तक 3 भारतीय बच्चों में से लगभग एक जो होगा, 3 में से एक जो होगा अविकसित होगा और छोटे कद का होगा, ठीक है, ये तो यहाँ पास हो गया। साथ ही साथ जो बात करते हैं तो ये जो रिपोर्ट है, तो ये जो रिपोर्ट है हमारी, तो जो भूख की समस्या है उसको समाप्त करने के लिए किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दूसरे और भी गोल हैं उनको अचीव करने से संबंधित जो देश की प्रोग्रेस है उसको भी एक प्रकार से एनालाइज करती है, ठीक है। तो इस पर से देखते हैं कौन कौन से इसमें कौन कौन सी बॉडी इसमें इंक्लूड हैं, तो बात करते हैं तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा तैयार की गई है, ठीक है। तो इस पर से देखते हैं कि यहाँ पास जो है तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है तो इसका भी कॉपरेशन जो है तो मिला हुआ है, ठीक है। ये भारत का यहाँ पास सपोर्ट, मतलब कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यहाँ पास सपोर्ट किया है, और वहीं संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम ने ये दोनों मिलकर के जो है तो इसको मतलब कि ये एनालिसिस किया है। इसकी रिपोर्ट के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है तो इसमें देखें तो पिछले एक दशक में जो बाल स्टंटिंग यानी कि अविकसित छोटे कद के बच्चे जो होते हैं, मतलब कि ज़्यादा हाइट उनकी नहीं हो बढ़ पाती है, तो उनमें से लगभग 1% प्रतिवर्ष की दर से कमी आई है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पास एक दशक में ये देखा गया कि बाल स्टंटिंग में लगभग 1% की कमी आई है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छी बात कह सकते हैं इसके बारे में। लेकिन ये उभरती अर्थव्यवस्था में सबसे धीमी गिरावट है, ठीक है। इस दर से 2022 तक बात करते हैं तो भारत में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 31.4% बच्चे जो होते हैं स्टंटिंग का शिकार होंगे, ठीक है। ये एक प्रकार से भयावह चैलेंज के तौर पे देखा जा सकता है। यहाँ पास इसने इस रिपोर्ट में ये निष्कर्ष को तौर पे ही बताया गया है कि यदि इसी दर से रहा तो इस दर से लगभग 2022 तक भारत की स्थिति जो होगी तो 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं 31.4% ऐसे बच्चे होंगे जो एक छोटी गांठी के रह जाएंगे, बाल स्टंटिंग का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। वहीं नेक्स्ट पे देखें कि और भी निष्कर्ष के बारे में कि बिहार में लगभग 48%, उत्तर प्रदेश में 46%, अलग अलग डाटा दिए गए हैं। जैसे राज्यों में भी 2 बच्चों में से लगभग 1 बच्चा स्टंटिंग का शिकार होगा, जहाँ की नेशनल लेवल का एवरेज जो होगा एवरेज है 3 में से 1, वहीं इन राज्यों पे बिहार यूपी जैसे राज्यों में 2 में से 1 बच्चा होगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी भयावह सिचुएशन हो सकती है, जबकि केरल और गोवा में ये जो रेशियो होगा वो लगभग 20% के आसपास होगा। और बात करते हैं कि स्टंटिंग की जो ये उच्च दर है, सबसे गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें 51.4%, यानी कि जो मतलब कि ज़्यादा गरीब बच्चा है वो इसके प्रति और भी ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है, और भी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, एसटी के लिए 43.6% और भी चांसेस हैं।
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के बारे में 42.5% और अशिक्षित माताओं से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उन्हें 51% में है। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है तो पुअरनेस और अशिक्षता है ना, यानी कि शिक्षा की कमी और गरीबी, ये चीज़ें जो है इसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इनमें देखो देखिए कि रेशियो किस प्रकार से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पास ज़रूरत है कि समावेशी विकास से इनको भी मुख्य धारा में लाया जाए और जो भी चीज़ें मतलब कि जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं उन चीज़ों की उपलब्धता अच्छे तरीके से सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट इस पर बात करके पिछले दो दशकों में जैसे खाद्यान्न की पैदावार 33% बढ़ी है, लेकिन यह अभी भी 2030 के पैदावार लक्ष्य का केवल आधा ही है, ठीक है। अब यदि बात करते हैं कि आबादी के सबसे गरीब लगभग 30% लोग जो हैं उनका औसतन 1811 किलो कैलोरी ऊर्जा की खपत करते हैं, जो कि प्रतिदिन 2155 किलो कैलोरी जो रेशियो एवरेज है उसके मानदंड से तो बहुत ही कम है। तो मल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, यानी कि पर्याप्त भोजन नहीं उपलब्ध हो पाता। तो ये डाटा है हमारे, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, तो बेरोजगारी से संबंधित भी कुछ डाटा के बारे में हम लोग यहाँ पास देखते हैं, क्योंकि तो आज एक बड़ी समस्या के तौर पर भारत को देखा जा सकता है कि ग्लोबल बेरोजगारी बड़ी समस्या किस प्रकार से, तो इसके बारे में देखें हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने सितंबर 17 से अप्रैल 19 की ड्यूरेशन के लिए एक रोजगार आउटलुक जारी किया था, ठीक है। तो उससे संबंधित ये आंकड़ा था, तो ये इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो आंकड़े दिए गए थे बेरोजगारी से संबंधित, इसमें देखें कि 2017-18 के जो PLFS के अनुसार राज्यों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिला था। कैसे, यदि इसमें से जो डाटा आए थे उसमें तो नेशनल लेवल पे जो बेरोजगारी दर का वो दिया गया था तो वो 6.1% जो है तो बेरोजगारी की रेशियो मतलब कि ये परसेंटेज था नेशनल लेवल पे, यानी कि सबसे बड़ी मतलब पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा जो है तो बेरोजगारी का स्तर ये देखा गया था 6.1%, ठीक है। और साथ ही साथ ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम देखा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि बात करते हैं कि नागालैंड में सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है, 21.4% जो है तो नागालैंड में देखी गई है। वहीं नागालैंड के अलावा यदि बात करते हैं गोवा और मणिपुर जो है तो उच्च बेरोजगारी वाले राज्य हैं, गोवा और मणिपुर भी इसमें पीछे नहीं है। वहीं बात करते हैं कि मेघालय में जो सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम बेरोजगारी दर देखी गई 1.5%, सबसे कम बेरोजगारी कहाँ देखी गई है वो मेघालय में देखी गई है। और बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ और सिक्किम जो है तो ये भी सबसे कम दरों वाले राज्यों में से ही है, ठीक है। यदि बात करते हैं कि यदि केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में बात करते हैं तो उनमें भी देखा जाए तो नागालैंड जो है तब भी जो है तो टॉप में आएगा, यदि हम यूटी को शामिल करते हैं तब भी आएगा। अब वैसे तो है ही टॉप लेवल पर, नागालैंड सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 21.4%। वही दादर नागर हवेली की बात करी जाए तो वो भी मेघालय की जगह ले लेंगे, ठीक है। दादर और नागर हवेली भी ये तो मेघालय की जगह पर हो जाएंगे। अब यदि बात करते हैं कि इस पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर डाटा देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से रूरल अर्बन डिवाइड किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, कि रूरल में जहाँ पास फीमेल का जो बेरोजगारी का दर है 3.8% है तो वहीं मेल का रूरल में 5.8% है। ओवरऑल बात की जाए तो रूरल में है वो 5.3% है। वहीं अर्बन की बात की जाए यानी कि शहरों में बात की जाए बेरोजगारी की तो वहाँ पास महिलाओं की बेरोजगारी शहरों में 10.8% है, वहीं जो पुरुष हैं उनकी बेरोजगारी दर शहरों में 5.7% देखी जा सकती है। और यदि ओवरऑल एवरेज की बात की जाए तो जो अर्बन में है यानी कि शहरों में जो बेरोजगारी का प्रतिशत है सबसे ज़्यादा है कंपेयर देन गांवों की अपेक्षा, 7.8% जो है तो शहरों में बेरोजगारी है, जबकि गांवों में बात की जाए तो गांवों में 5.3% बेरोजगारी देखी गई है। वहीं और अनडाइमेंशन पर बात करते हैं हम लोग, ओवरऑल यदि बात करते हैं तो रूरल और अर्बन की अपेक्षा तो फीमेल का जो रेशियो है तो ये 5.7% जो है तो फीमेल बेरोजगारी है, वहीं पुरुषों की बात की 6.2% बेरोजगारी इनका है। और ओवरऑल आप लोगों ने देखा ही होगा, यानी कि यदि इसके हम जो कंक्लूजन के तौर पर देखें तो इसमें देखा गया है कि जो इसमें जैसे यदि हम बात करें कि जो रूरल एरिया है, ठीक है, तो रूरल एरिया पे जो मेल लोग हैं उनको उनकी जो बेरोजगारी का स्तर है वो ज़्यादा है जबकि फीमेल का कम है। वहीं अर्बन की बात की जाए तो वहाँ पास जो है तो फीमेल का जो है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा है कंपेयर देन मेल के, ठीक है। अब यदि हम चलते हैं इस पे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये काफ़ी चर्चित योजना रही है, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल जानना चाहिए। इसके यदि बारे में जानते हैं हम लोग, तो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है तो इसमें देखें तो ये जो है तो देश के सभी जो भूमिधारक किसान हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ये उसके पात्र होंगे। साथ ही साथ कुछ इसमें से जो है तो उनके क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, कि इनको छोड़ करके बाकी सभी को जो है तो इसका एडवांटेज मिलने वाला है। तो यदि बात करते हैं जो सभी संस्थागत भूमिधारक हैं तथा किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणी के हों उनकी पात्रता क्या है,
पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदों के जो धारक हैं उन्हें इसका फायदा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। सेकेंड, पूर्व और वर्तमान जो मंत्री, संसद और राज्य विधायिका के सदस्य, नगर निगम के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उन्हें भी ये लाभ नहीं मिलने वाला है। वहीं केंद्रीय राज्य सरकार के मंत्रालय के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी, पीएससी, साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, इसके अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी समूह डी के कर्मचारी नहीं आते। ये याद रखने वाली बात है, जो फोर्थ ग्रेड के कैंडिडेट हैं जॉब में हैं, सरकारी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं या डी श्रेणी में आते हैं या मल्टीटास्किंग में आते हैं, एमटीएस में हैं, वो इसके दायरे में आएंगे। याद रखिएगा कि वो इसके बाहर नहीं है, बल्कि बाकी जो ये क्राइटेरिया दिया गया है कि वो इसके पात्र नहीं है, बाकी ये लोग पात्र हैं फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान उसके। अब इसी पे से तो और यहाँ पास कुछ आंकड़ों पे देखें तो जो सभी जो वयोवृद्ध हैं, रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, इनकी मासिक पेंशन 10,000 से अधिक है, ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पास इसमें भी जो है तो चतुर्थ श्रेणी के नहीं आएंगे, बाकी ये लोग भी इसमें नहीं शामिल होंगे। ठीक है, वहीं इसमें देखें कि अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का जो भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति हैं वो भी इसके पात्र बिल्कुल नहीं हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि पेशे वाले जो व्यक्ति हैं वो भी इसके पात्र बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो था, आप लोगों ने देखा भी कोई 6,000 वही मासिक पेंशन वाला है, 6,000 जो है तो सालाना ईयरली दिया जाएगा, 2,000 के इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पूरी तरह से द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, इस पे से देखते हैं कि नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या है इसके बारे में देखें तो सरकार ने देश में जिला स्तर पर 713 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, ये जो केंद्र हैं ये कृषक समुदाय के बीच जो प्रौद्योगिकी का प्रसार करेंगे, जिससे कि हमारी 2022 जो गवर्नमेंट का जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है किसानों की इनकम जो है तो दोगुनी करने की, उसको अचीव किया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र की बात करते हैं और तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये योजना जो है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARE इनके दायरे में 100% केंद्रीय वित्त पोषण के ढांचे के रूप में काम कर रही है। दो संस्थाएं याद रखिएगा, ICRA और DARE। ठीक है, अब यदि और बात की जाए तो KVK के द्वारा जो की जाने वाली गतिविधियाँ हैं उनमें प्रौद्योगिकी और प्रदर्शनों का कृषि परीक्षण, किसान और विस्तार कर्मियों का क्षमता विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के नॉलेज और संसाधन केंद्र की तरह कार्य करना शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है ऑपरेशन संकल्प। इसके बारे में थोड़ा सा जानें कि ओमान की खाड़ी में जैसे बात करिए, यहाँ पास आप लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, ओमान की खाड़ी जो है तो यहाँ पास जो है तो भारतीय जो ये भारत ने जो तो लॉन्च किया था ऑपरेशन संकल्प, इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय जो नेवी है उसने जो है तो ये लॉन्च किया था संकल्प ऑपरेशन। ये जो है तो उस समय जैसे कि ऑपरेशन ओमान के जो खाड़ी में इसलिए किया गया था, वहाँ पर जो तो गुजरने वाले जो समुद्री जो जहाज़ वगैरह हैं, है ना, तो उस समय जो है तो काफ़ी तनाव देखा गया था, है ना, तो जो समुद्री घटना के बाद जो क्षेत्र में काफ़ी जो असंतुलन या तनाव की स्थिति थी, तो उसके लिए एक प्रकार से विश्वास के माहौल को बनाने के लिए जो है तो ये जो मिशन जो है तो नेवी ने, भारतीय नेवी ने चलाया था। यदि बात करते समुद्री सुरक्षा के लिए भी INS चेन्नई, INS सुनैना, इनको जो है तो वहाँ पर तैनात किया गया था, है ना। और यदि बात करते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र का जो सूचना संलयन केंद्र है जिसका उद्घाटन भी दिसंबर 2018 गुड़गांव में नौसेना के द्वारा किया गया था, वो भी जो है तो खाड़ी क्षेत्र में जहाज़ों की जो आवाजाही उनकी मॉनिटरिंग कर रहा था। ठीक है, ये भी जो एक्टिवेट हो गया था, है ना। तो भारत के जो सामरिक और सुरक्षा हितों की बात की तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हिंद महासागर क्षेत्र जो है तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी ओमान की खाड़ी और भारत की खाड़ी में ही संचालन और परिवहन करते जहाज़ों की सुरक्षा से जुड़ी है। तो इसलिए भी ये जो तो ऑपरेशन संकल्प कुल मिलाकर के जो है तो इंडियन नेवी द्वारा ओमान की खाड़ी में चलाया गया था। ठीक है, और वहीं चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन बंदर। ये आप लोग इससे बिल्कुल परिचित होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि ऑपरेशन बंदर किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑपरेशन बंदर की बात करते हैं तो ये जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर प्रशिक्षण में हमला करने के लिए जो है तो ये एक संकेत के तौर पर ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस बात करते हैं कि इसमें जैसे कि इसके बैकग्राउंड में देखें जैसे कि पुलवामा आतंकी हमले में लगभग 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी मर गए थे, है ना, उनकी मतलब शहीद हो गए थे, तो इसके बदले में जो तो हिंदुस्तानी वायुसेना ने भी ये उसके उस पर जो है तो बालाकोट में ये एयर स्ट्राइक की थी। ठीक है, और उसकी डेट की बात की 26 फरवरी को जो है हमारा महाराज 2000 से इससे हमला किया गया था। ठीक है, तो इस पे जो ये इस पे थोड़ा सा और जानने का प्रयास करिए हम लोग, तो हिंदुस्तानी सेना ने अभी पाकिस्तान के द्वारा जो संभावित जवाई मतलब कि रिटेलिएट जब पाकिस्तान करता तो उसको भी रोकने के लिए जो सीमा पर ऑपरेशन जाफरान यानी कि केसर के फूल जो खाने में उपयोग होते तो उनके नाम पे दिया गया था। ठीक है, यानी कि इस पे से देखते हैं कि ये एक कोडिंग नेम होते हैं, तो ये दोनों आप लोग याद रखिए कि ऑपरेशन बंदर और ऑपरेशन जाफरान किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो तेलंगाना के मेलगट्टा में जो है तो ये कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। ठीक है, अब यदि इसके बारे में देखते हैं तो
ये जो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट है उसको यदि हम लोग देखें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बहुस्तरीय और बहुउद्देशी सिंचाई योजना मानी जा रही है। ठीक है, कलेश्वरम प्रोजेक्ट को वर्ल्ड की सबसे ये बहुस्तरीय है और बहुउद्देशी सिंचाई प्रोजेक्ट है। और इसके बारे में यदि बात करते हैं तो ये जो कलेश्वरम प्रोजेक्ट है उसको पहले प्राणहिता चिवेल्ला लिफ्ट सिंचाई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके स्थान के बारे में बात करते हैं तो ये जो प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम बिंदु पर स्थित है। इसकी लोकेशन की बात कर सकते हैं तो ये कहाँ पास है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो इसमें है प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी। ठीक है, और ये जो है तेलंगाना का जो कलेश्वरम गाँव है वहाँ पास इसकी लोकेशन है। प्राणहिता नदी अपने आप में जो है, प्राणहिता नदी के बारे में बात करते हैं, वर्धा पेगंगा और वैनगंगा इसका एक छोटी नदियाँ भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, प्राणहिता में और जो लगभग 37 लाख एकड़ से अधिक नए और मौजूदा जो जलकुंड हैं उनकी सिंचाई करेगा और हैदराबाद अन्य गाँवों के लिए पेयजल की उपलब्धि करेगा। ये आप लोग इसके छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, और इस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात की जाए तो जो इसकी जो कार्यकारी एजेंसी की बात की जाती है तो जो नोडल एजेंसी के तौर पर इसमें जो है तो भारत की हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल इसमें है, है ना। वहीं लिफ्ट द्वारा सिंचाई की बात की जाए तो लिफ्ट द्वारा सिंचाई कैसे, तो इसमें से देखते हैं तो ये ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पानी को प्राकृतिक प्रवाह जैसे कि गुरुत्वाकर्षण आधारित नहर प्रणाली है उनमें परिवहन के बजाय बाहरी ऊर्जा जैसे कि पशु ईंधन है ना आधारित या विद्युत शक्ति पंप या अन्य यांत्रिक साधनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं, जैसे कि बात करते हैं पहला तो पानी को स्रोत से पंपों के जरिए मुख्य वितरण कक्ष से ले जाना होगा। वहीं मुख्य वितरण कक्ष कमांड क्षेत्र में सबसे ऊपर बिंदु पर स्थित होता है तो जो सोर्स होता है तो उसमें मुख्य रूप से जो भूजल नदी है उनकी जो धाराएं होती हैं है ना, तो इसमें जो है एक प्रकार से तालाब और झील भी होती है तो इसीलिए ये जो है प्रकार से फ्लोटेशन के लिए जो है तो ये सिस्टम इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो ये तो इसमें जो है तो मेन वो। वहीं इसमें से दूसरी बात यदि की जाए तो उन्हें इस पानी को एक प्रकार से उपयुक्त और बेहतर तरीके से पानी का अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके तो उसके लिए भी एक प्रकार से ये जो है तो इस प्रकार का सिस्टम जो है तो अपनाया गया है ना। तो इसमें बात की जाए तो इसमें कुछ इसके महत्वपूर्ण लाभ की बात की जाए तो जो न्यूनतम भूमि अधिग्रहण और कम पानी का नुकसान लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है ना, ये इसके एडवांटेज हैं। और साथ ही साथ इसकी कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई कि जो लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट प्रणाली है उसकी अनियोजित विकास से भूजल स्तर पर भी इसके नकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि FATF, ये काफ़ी हाल ही में चर्चा में रहा है ना, और इसलिए जो है तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बारे में देखते हैं कि FATF क्या है। ठीक है, तो फाइनेंस एक्शन टैक्स टास्क फोर्स, तो ये जो बात करते हैं तो FATF जो है तो सऊदी अरब को भी FATF की पूर्ण सदस्यता मिल गई, ये तो पहली बात महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, ठीक है कि सऊदी अरब इसका सदस्य बन गया है। तो यदि बात करें तो सऊदी अरब जो है तो अरब देशों में पहला ऐसा देश बना है जो FATF का सदस्य बना है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं कि FATF जो है ये क्या है, तो FATF जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जैसी जो वित्तीय मदद है ना उनको रोकने के लिए एक प्रकार से वैश्विक मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। ठीक है ना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट संबंधित जो भी उनको फाइनेंसिंग की जाती है तो उससे संबंधित जो है एक प्रकार से वैश्विक स्तर की मानक एजेंसी है, मानक निर्धारित करती है, सेट करती है। ठीक है, और ये जो है तो कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों को भी मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद को वित्तीय मदद रोकने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से संबंधित खतरों से भी निपटने वाली मानकों को लागू और निर्धारित करती है। ठीक है, और यदि बात करते हैं इसकी बारे में तो ये जो FATF है तो ये 1989 में स्थापित हुई थी, इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में है। और इसके सदस्य की बात करते हैं तो 37 मेंबर जो है तो इसके सदस्य हैं और दो इसमें क्षेत्रीय संगठन भी हैं जिसमें से खाड़ी सहयोग परिषद है और दूसरा है यूरोपीय संगठन इसमें शामिल है। ये महत्वपूर्ण यहाँ पास ये है कि FATF का सदस्य पाकिस्तान नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत FATF का सदस्य है, रूस चीन भी इसके सदस्य हैं, लेकिन पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, बिल्कुल ही आप लोग ये अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में ये आ सकता है इस टाइप से। वहीं यदि बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है एशिया प्रशांत समूह FATF का केवल सहयोगी पार्टनर है, याद रखिएगा कि केवल एशिया प्रशांत का ये सहयोगी है, सदस्य बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि भारत इसका सदस्य है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है बाड़मेर तेल रिफाइनरी, ये भी हाल ही में खूब चर्चित रही है। तो क्या है बाड़मेर तेल रिफाइनरी, तो इसकी पहली बात तो आप लोकेशन देखें, इसके नाम से ही पता चलेगा कि इसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पास आप लोग देखते हैं कि बाड़मेर जो तेल रिफाइनरी है यहाँ पास आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है तो राजस्थान में जो है तो ये स्थित है। इसके बारे में देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी के बारे में देखते हैं इस तेल रिफाइनरी की।
तो ये जो बाड़मेर रिफाइनरी है ये जो है तो आगामी जो सार्वजनिक क्षेत्र पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसकी रिफाइनरी है, ठीक है। और इसकी यदि हम क्षमता की बात करें, प्रसंस्करण क्षमता की, तो लगभग लगभग हर वर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन जो होती है ये प्रोडक्शन करती है। वही लोकेशन हमने देख ही लिया होगा, बाड़मेर जिले के पचपरा गाँव में स्थित है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन शामिल एजेंसियाँ निकाय हैं, तो इसमें जो है तो आपकी HPCL की 74% इसकी भागीदारी है और राजस्थान सरकार की 26% इसमें पार्टिसिपेशन है, ठीक है। और इनके बीच एक संयुक्त उद्यम JV के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसे कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है। इसमें इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो जनवरी 18 में ये शुरू हुई थी परियोजना, और इसका निर्माण काल की ड्यूरेशन ख़त्म होगी लगभग 2022-23, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अविश्वास का रचनात्मक मत। क्या ही है अविश्वास का रचनात्मक मत, इसके बारे में जाने कि यदि बात करते हैं कि अभी जैसे कि हाल ही में काफ़ी ये डिबेट का पॉइंट मुद्दा रहा है कि एक साथ चुनावों को किस प्रकार से, एक साथ चुनाव तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, साथ ही साथ जो एक साथ चुनाव हैं उनको लागू करने के लिए जो उड़ीसा में जो BJD सरकार है उसने अविश्वास के जो रचनात्मक मत है उसके विचार को उसने यहाँ पर प्रस्ताव ऐसा लाया है उसने, है ना, एक अपनी सजेशन के तौर पर उसने दिया है ना उड़ीसा सरकार ने। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अविश्वास का रचनात्मक मत क्या है, आखिर ये कहाँ का है। आप लोग यहाँ पास देख रहे होंगे, ये यहाँ पास जर्मनी की वो है ना चांसलर हैं एंजेला मर्केल, तो उनका यहाँ पास इमेज देखा देख सकते हैं आप लोग, तो समझ गए होंगे किसका रिलेशन किससे है, कहाँ से है। अभी आज बात करते हैं कि जो एक साथ चुनाव है, ठीक है, तो ये जो एक काफ़ी लंबे समय से डिबेट का विषय रहा ही है, तो यदि इससे संबंधित बात की जाए तो यदि एक साथ निर्वाचित विधानसभाओं में से किसी एक में यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सामान्य चुनावों का फिर क्या होगा, ये एक क्वेश्चन यहाँ पास रेज होता है जब ये डिबेट होती है, तो ये निश्चित तौर पे क्वेश्चन रेज भी होना चाहिए कि एक आखिर जब किसी विधानसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है, हम बात तो करते हैं कि एक ही साथ सभी में पूरा जो है तो आम चुनाव के साथ ही पूरे देश में चुनाव हो, तो यदि इस प्रकार कंडीशन कहीं पास किसी भी राज्य में हो जाएगी, जिस प्रकार से आप लोग देख ही रहे हो किस प्रकार से विभिन्न राज्यों में अस्थिरता के माहौल होते हैं, है ना, सरकारें गिरती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, नए चुनाव फिर से होते रहते हैं, तो फिर उस कंडीशन में कौन सी, मतलब कि कौन सी जो स्थिति है बेहतर होगी, कौन से और भी नए क्या किया जा सकता है कि इस तरह की जो है तो अस्थिरता का माहौल क्रिएट ना हो और एक प्रकार से बेहतर तरीके से इंटीग्रेट तरीके से काम हो सके। तो इसीलिए जो है ये उड़ीसा सरकार ने इस प्रकार का जो इसके सोल्यूशन के तौर पे जो है अविश्वास का रचनात्मक मत का ऐसा प्रस्ताव उसने दिया है, है ना। तो ये जो अविश्वास का रचनात्मक मत है ये हालांकि वर्तमान में जैसे जर्मनी में इसको काफ़ी जर्मनी से ही निकला हुआ है, जर्मनी में ये फॉलो होता है, है ना। 2018 में भारत का जो विधि आयोग है उसने भी मसौदा रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। तो दो रेफरेंस आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं कि अविश्वास का जो रचनात्मक मत है, ठीक है, तो उसको हमारे 2018 में भारत का विधि आयोग ने भी, है ना, लॉ कमीशन ने भी इसको सजेस्ट किया था और उड़ीसा सरकार ने भी इसको सजेस्ट किया था, ठीक है। अब यदि बात करते हैं कि जर्मनी में किस प्रकार से ये होता है, तो जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत संसद वहाँ का जो बुंडेस्टैग है उसके चांसलर को केवल तभी हटा सकती है जब वह एक साथ एक उत्तराधिकारी पर सहमत हो, यानी कि सभी की जब एक आमराय हो जाए कि कौन व्यक्ति आगे नेक्स्ट किसको चयनित किया जाएगा, उस पर जब सभी की एक साथ आमराय हो जाती है, एक प्रकार से आम सहमति हो जाती है, तभी वहाँ के चांसलर को संसद वहाँ की हटा सकती है, ये बात। वहीं नेक्स्ट बात कहिए कि ये जो है तो एक चांसलर को हटाने की प्रक्रिया को काफ़ी कठिन बनाता है ये अविश्वास का ये जो वो मत है, क्योंकि जो चांसलर हैं उनके जो विरोधियों को न केवल उसके शासन से असहमत होना होता है बल्कि एक प्रतिस्थापन पर भी सहमत होना होता है कि एक नया सब्स्टिट्यूट के तौर पर क्या लाया जाए उस पर भी, यानी कि एक प्रकार से एक तीर से दो निशाने आ सकते हैं, एक तो चांसलर को हटाया जाना ये भी फिक्स हो जाएगा, दूसरा उस चांसलर की जगह पे नया चांसलर का सिलेक्शन भी, यहाँ पर दोनों एक साथ मतलब कि प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है, ये इसका वो था। और इस पे देखते हैं कि अंतर्निहित आधार ये इसका ये भी है कि सदन के लिए एक निश्चित 5 साल का किस प्रकार से ड्यूरेशन सेट हो सके, इसके लिए जो है तो डिबेट रहता है, तो ये भी इससे सॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है, और सरकार भी कंटिन्यू बनी रहेगी, तो वो था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें WMO आर्काइव ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीमस। ये जो है तो WMO का जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी एक उसने डाटा जारी किया है, तो इसमें जो इसने ऑफिशियल तौर पे जो है तो मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का भी मौसम संगठन है उसने 2 स्थानों पर 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किए हैं, है ना। उसमें से पहला स्थान जो है मित्रीबाहु कुवैत में है और सेकंड है पाकिस्तान के तुरबात में, यहाँ पर जो है तो ये टेम्परेचर दर्ज किया गया है। यदि बात करते हैं कि जो WMO है
उसका क्लाइमेट और मौसम संबंधी जो चरम सीमाओं का जो अभिलेख है इसको ही डब्ल्यूएमओ या आर्काइव ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स इसने जो है तो यहाँ पास ये दर्ज किया है, इसको वेरीफाई भी किया है ना, यहाँ पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया है। यदि बात करते हैं कि जो मित्री बाहु है ना, यानी कि कुवैत का स्थान है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है तो ये WMO द्वारा एशिया के महाद्वीपीय क्षेत्र के उच्चतम तापमान के रूप में दर्ज किया, यानी कि एशिया में अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पास देखा गया है मित्री बाहु में, है ना। वहीं यदि बात करते हैं कि इन दोनों का यदि अवलोकन करने के बाद यदि बात करते हैं तो ये जो है तो ग्लोबल लेवल पर बात करें तो थर्ड और फोर्थ स्थान पर आते हैं, है ना। और वहीं बात करते हैं पिछले 76 वर्षों में दर्ज किए गए उच्चतम तापमानों में से ये टेम्परेचर देखा जा सकता है। वहीं यदि बात करते हैं कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, 2016 में भारत का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर जो देखा गया है तो राजस्थान के फलौदी में 51 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, है ना। और भी अन इंफॉर्मेशन देखते हैं WMO के बारे में, तो WMO की जलवायु और मौसम की जो चरम सीमा है उसकी जो डाटा है इसमें और भी विभिन्न डिफरेंट एस्पेक्ट, क्लाइमेट चेंज है ना, टेम्परेचर है ना, और रेनफॉल, ओला वृष्टि, इससे संबंधित भी और भी डाटा इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद बारे में बात करें, ये जो डाटा दिया गया अभिलेख है इसके अनुसार अब तक का सबसे जो उच्चतम टेम्परेचर दर्ज किया गया है वो है 56.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि फर्नेस क्रीक में दर्ज किया है, डेथ वैली है ना कैलिफोर्निया। ये यहाँ पास इसकी जो मतलब कि ये जो 1913 में जो है तो टेम्परेचर नापा गया था, कितना था, 56.7 डिग्री सेल्सियस, फर्नेस क्रीक, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यहाँ पास, ठीक है, इन स्थानों पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये जो इससे संबंधित देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ने जो है तो चिकनगुनिया का जो वायरल संक्रमण है इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी डेवलप की है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये जो एंटीबॉडी है इससे संबंधित, कि जैसे कि ये चिकनगुनिया के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि ये तो वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है तो ये जीनम अल्फा वायरस, यानी कि ये जो बीमारी है तो ये एक प्रकार से जो संक्रमित मच्छर हैं उनकी जो दो प्रजातियां हैं, एडिस एजिप्टी मच्छर और एडिस अल्पोपिक्टस मच्छर, इनके दो टाइप की प्रजाति मच्छरों की है जिनके द्वारा जो है ये फैलाया जाता है, है ना। तो इनके द्वारा जो है मनुष्य को ये मतलब कि वायरस जो है दे दिया जाता है। और मच्छरों की जो दोनों प्रजातियां हैं यही डेंगू सहित अन्य बीमारियों के लिए भी मतलब कि ये जिम्मेदार होती हैं, ठीक है, फैलाती हैं। अब यदि बात करते हैं कि जो मच्छर हैं दिन के जैसे कि उजाले में ही मतलब कि काटते हैं, इनकी गतिविधि सुबह और दोपहर में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो इसके लक्षण के बारे में, जिस प्रकार से मतलब कि बुखार, तेज बुखार आती है ना, और इसके जो तो लक्षण देखे जा सकते हैं। और जो चिकनगुनिया की बात की जाए तो इसके जो नाम की बात करते हैं, तो ये चिकनगुनिया जो नाम है किमकॉन्ड भाषा में एक प्रकार से एक क्रिया से हुई है इसका नाम, है ना। इसका सेंस है पीला पड़ जाना, है ना। तो ये जो इस पर देखते हैं कि ये इसमें और बात करके मुख्य रूप से जो चिकनगुनिया के मामले देखे जा सकते हैं तो अफ्रीका, एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में देखे जाते हैं इसके मामले, है ना। और इस पर जो है तो कुछ जैसे कि भी हाल ही में बात करते हैं कि ये एंटीबॉडीज विकसित की गई है, तो ये जो तो CHIKV संक्रमण पर एक दशक लंबे शोध के बाद जो होती है IALS प्रयोगशाला में डॉक्टर सोमा चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में जो एंटीबॉडी डेवलप की गई है, ठीक है। इससे पूर्व यदि बात करते हैं CHIKV के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी की सूचना नहीं है, ठीक है। तो इस पर यदि बात करते हैं कि जो ये जो एंटीबॉडीज डेवलप किया है, तो इसका जो समूह है CHIVK, तो इसके गैर संरचनात्मक प्रोटीन NSP1, NSP3, NSP4 इनके खिलाफ एंटीबॉडी विकसित करने वाला ये पहला समूह देखा गया है। कौन कौन से ये गैर संरचनात्मक प्रोटीन है, NSP1, NSP3 और NSP4, इनके खिलाफ, इन तीन टाइप के खिलाफ जो है एंटीबॉडी डेवलप की गई है, ठीक है, ये पहला समूह हुआ है। अब इन पे जो तो ये जो डॉक्टर चट्टोपाध्याय हैं इनको जय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2019 में भी जो तो अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। अब यदि बात करते हैं कि ये IALS ये क्या है, जीवन विज्ञान संस्थान ये जो है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने हम कि ये जो जीवन विज्ञान में अनुसंधान और शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा का एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, 1989 में स्थापित हुआ था भुवनेश्वर में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है इनर लाइन परमिट, ILP प्रणाली। ये काफ़ी चर्चित रहा है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा इनर लाइन परमिट, तो इसके बारे में आप लोग जान भी लीजिए कि क्या है इनर लाइन परमिट। यदि हम देखते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी कि इनर लाइन जो परमिट है उसको लागू होने के बाद जो दीमापुर में जो रहने वाले गैर नागा हैं लोग हैं तो उनके संरक्षण के लिए केंद्र और नागालैंड सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी पिटीशन दायर में, ठीक है। तो इसके बारे में यदि बात करते हैं इनर लाइन परमिट के बारे में, यानी कि ILP, तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी एक ऑफिशियल यात्रा दस्तावेज होता है, ठीक है। अब इस पे देखते हैं कि जो एक प्रकार से सीमित अवधि के लिए संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिक को आंतरिक यात्रा की अनुमति देता है, ये क्या है, ये आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है इनर लाइन परमिट, जो कि एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए कोई प्रोटेक्टेड एरिया या प्रोहिबिटेड एरिया होता है वहाँ पास स्पेशली इंडियन सिटीजन्स को वहाँ पास जाने की पात्रता या कि आंतरिक यात्रा की परमिशन दी जाती है इसी आधिकारिक यात्रा दस्तावेज के जरिए, इनर लाइन परमिट जिसे बोला जाता है।
यदि बात करते हैं हम लोग कि ये दस्तावेज भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित कुछ क्षेत्रों में संचालन को विनियमित करने के लिए सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, यदि बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य में यदि बात करते हैं तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ILP की प्रणाली लागू है। ठीक है, कहाँ? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के अपने क्षेत्रों पे। पहले तो मणिपुर में भी ILP की प्रणाली थी लेकिन 1959 में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यदि बात करते हैं हम कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 की धारा 2 के तहत राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वह भारत के नागरिकों या ऐसे वर्ग के किसी भी नागरिकों को बिना पास के इनर लाइन के आगे जाने से रोक सके। इस रूल के तहत ये राइट्स भी सरकार के पास हैं कि वो इस इनर लाइन परमिट जो है उसके आगे किसी भी व्यक्ति को ना जाने दिया जाए। तो वो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। ठीक है, अब यदि बात करते हैं कि इनर लाइन परमिट जो है उसमें और जो संरक्षित क्षेत्र परमिट यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया की जो परमिशन है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? ठीक है, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज हो सकता है कि ये ILP और PLP, ठीक है, ILP एंड PLP इनर लाइन परमिट और प्रोटेक्टेड जो एरिया का परमिट है इनमें क्या डिफरेंट है, तो इन पर देखते हैं हम लोग। तो इसमें भी फर्क है, कन्फ्यूज ये भी हो सकता है ना। तो देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सरकार के द्वारा जो निर्धारित दो प्रकार के आधिकारिक परमिट हैं, ठीक है, कहाँ पास? अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार के दो टाइप के परमिट देने के वो होते हैं। ठीक है, वे हैं इनर लाइन परमिट और ILP यानी संरक्षित क्षेत्र परमिट। स्पेशली याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही दोनों ही चीज़ें हैं, इनर लाइन परमिट और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ये दो टाइप के परमिट लेने की जरूरत होती है अलग अलग। ठीक है, ILP की बात करते हैं तो ये उल्लिखित राज्य में आने वाले किसी भी घरेलू पर्यटक को ILP प्राप्त करना होता है। इसे पर्यटकों को सामान्य रूप में प्रदान किया जाता है ताकि किसी भी पर्यटक को राज्य में आने से ना रोका जाए। ठीक है, तो ये हुआ ILP। और वहीं PLP की बात की जाए तो PLP जो है तो सभी विदेशियों को राज्य में प्रवेश के लिए PAP की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई फॉरेनर व्यक्ति आता है तो उसके लिए PAP की जरूरत होती है। ठीक है, ILP के लिए तो हो गया इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है, और वहीं जो फॉरेनर जो व्यक्ति आता है तो उसके लिए राज्य में प्रवेश के लिए PAP की आवश्यकता होती है, और ये विदेश में सभी भारतीय मिशनों और गृह मंत्रालय से PAP प्राप्त कर सकते हैं, ये उनके लिए एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया इनर लाइन परमिट और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली है। ठीक है, और इनमें जो तो ये डिफरेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है गो एमएल। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है और ये काफ़ी नया इनिशिएटिव भी लिया गया है। कहाँ के द्वारा? तो ये लिया गया है आपका नया इनिशिएटिव, इस पे से देखते हैं कि क्या है आखिर UAE के द्वारा ये जो GoML स्टार्ट किया गया है। तो ये पहली बात याद रखें कि UAE जो है तो खाड़ी में पहला ऐसा देश बन गया जिसने GoML को लॉन्च किया है। ये जो है तो एक नया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी कि जो लोग इलीगल अपने जो ब्लैक मनी होती है उसको वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, पता नहीं चलता है, तो उसी को ये काउंटर करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का प्लेटफॉर्म UAE ने यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने इसको लॉन्च किया है। एक बात करते हैं कि किस प्रकार से काम करेगा। तो जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है यानी कि आतंकी वित्त पोषण है, उनका मुकाबला करने के लिए जो सदस्य राज्यों की वित्तीय खुफिया इकाइयों FIUA को GoML उपलब्ध है। ठीक है, ये तो वहाँ ये हुआ। वहीं इनके किसके द्वारा ये विकसित किया गया है, संगठित अपराधों पर जैसे अंकुश लगाने के लिए इसका जो मोटो है। ठीक है, तो ये कैसे ऑर्गेनाइज जो क्राइम होते हैं उनको उस पर कंट्रोल करने के लिए, और ड्रग्स और अपराध पर जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है, इनके संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जो है तो किसको के द्वारा विकसित किया गया है, तो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। वही वित्तीय खुफिया इकाइयों की बात की जाती है तो इन मतलब कि दुनिया भर में वित्तीय खुफिया इकाइयाँ यानी कि FIU जो तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी जो वित्त पोषण है उनकी गतिविधियों को रोकथाम में प्रमुख भूमिका निभाती है वहाँ पास, है ना। तो ये घरेलू ML स्टेट ऑफ कानूनों के नियमों के संबंधित जो है तो ये इस पर जो पूरी तरह से मतलब डेडिकेटेड है। तो मोस्टली आप लोगों को ये इस पर ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये स्पेशली जानने की जरूरत है कि GoML क्या है और कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा। ये अभी जैसे कि 2019 ये गवर्नमेंट जो है तो मतलब कि सेंट्रल जो है तो लाने वाली है केंद्र सरकार, हाल ही में अभी जो है तो ये शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मसौदा तैयार हो गया है। इसको अभी पूरी तरह से मतलब अभी इंप्लीमेंट के तरीके से नहीं, कुछ इसमें सुधार की जरूरत थी, तो उसमें जो है तो गवर्नमेंट जो है तो इसको पॉज एक प्रकार से पूरी तरह से मतलब लाने ही वाली है। तो इस पर से देखते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में हम लोग ध्यान दें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा, पहली बात तो इसको किसने वो किया था, इसमें डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति ने इसके जो है तो मतलब कि इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो समिति बनी थी उन्होंने ये जो है तो मसौदा पेश किया था
एमएचआरडी यानी कि राष्ट्रीय मानव संसाधन मंत्री को उन्होंने ये मसौदा प्रस्तुत किया था। अब इसमें कुछ सिफारिशें उन्होंने की थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिफारिशों में क्या था महत्वपूर्ण कि यदि इसमें देखें तो इस समिति ने 3 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया है कि इसमें शिक्षा, स्कूली शिक्षा में, लेकिन पहले क्या था, पहले 5 साल से था, लेकिन अब इसमें से इसको 2 साल और कम करके 3 साल से इसको कर दिया गया है। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यदि बात करते हैं कि अपना जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसको विस्तार की बात ये करती है ये जो मतलब कि शिक्षा नीति है। वहीं बात करें तो बच्चों के ज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास चरणों के आधार पर इस पे एक 5+3+3+4 रूपी पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना मूलभूत चरण इसमें देखें कि ये क्या है 5+3+3+4, तो इसके बारे में यहाँ पास यानी कि पहली बात तो किस किस चीज़ को ये फोकस करती है, तो ये बच्चों के यानी कि ज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास की पे फोकस्ड है। अब इसमें से देखें कि 5+3+3+4 क्या है, तो इसका जो क्राइटेरिया इसने डिसाइड किया है तो इसके स्टेजेस फिक्स हैं। कैसे स्टेजेस हैं कि पहले स्टेज तो ये है 3 to 8 ईयर यानी कि 3 से 8 साल, इसकी ड्यूरेशन यानी कि 5 साल, तो 3 से 8 वर्ष तक की एक पहला चरण हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चरण इसका है, तो ये 5 साल का चरण है 3 से 8 वर्ष तक के लिए। ठीक है, वहीं जो 3 साल का जो पूर्व प्राथमिक चरण उसको उसका भी नाम दे दिया गया है, 3 साल के ये पूर्व प्राथमिक चरण कहा जाएगा Grade 1 and 2 के लिए। ठीक है, वहीं इसके लिए तो पूर्व प्राथमिक चरण हो गया यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड स्टार्ट, उसके भी पहले प्री प्राइमरी, उसके भी पहले जो है तो इसको इंक्लूड किया गया शिष्य स्तर से, ठीक है, नर्सरी लेवल से, तो ये पहला स्टेज हो गया। उसके बाद इसमें से दिया गया है कि प्रारंभिक चरण, ठीक है, तो प्रारंभिक चरण में कौन सा हो जाएगा, उनकी एज ईयर होगी 8 to 11 वर्ष, 8 से 11 वर्ष के बीच यानी कि 3 ईयर की गैपिंग। ठीक है, ये 3 ईयर की गैपिंग हो गई, ये हो गया इसका प्रारंभिक चरण, ये हो गया। नेक्स्ट ग्रेड पे बात करते हैं, ये जो प्रारंभिक चरण था ये ग्रेड किस ग्रेड के लिए था, 3 to 5 ग्रेड, 3 ग्रेड के लिए, 3 से 5 ग्रेड के लिए ये था क्या, 8 से 11 वर्ष तक का बच्चा जो है तो 3 से 5 के बीच में होगा और ये 3 ईयर का हो गया। नेक्स्ट स्टेज का नाम दिया गया है मध्य चरण, ठीक है, मिडिल स्टेज। ठीक है, एक पूर्व माध्यमिक चरण था, सॉरी पूर्व प्राथमिक चरण था, सेकंड प्रारंभिक चरण था, थर्ड अपना हो जाएगा मध्य चरण, यानी कि ये 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगा, इसको Grade 6 to 8 में क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। ठीक है, और अपना नेक्स्ट होगा माध्यमिक चरण, माध्यमिक चरण होगा 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, इसे Grade 9 to 12 डिसाइड किया गया है, ये अपना होगा स्टेज, ये विद्यालयों के परिसरों को भी पूरी तरह से एक प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए होगा, यानी कि इसके क्लियर होना चाहिए कि इसके 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं, 5+3+3+4, इट मीन्स कि इसका पहला स्टेज होगा प्रारंभिक चरण, सेकंड इसका होगा मध्य चरण, सॉरी पहला स्टेज होगा पूर्व प्राथमिक चरण, उसके बाद प्रारंभिक चरण, देन मध्य चरण, और उसके बाद फिर माध्यमिक चरण, ये स्टेजेस होंगे, अलग अलग क्लासेस का क्लासिफिकेशन यहाँ पास कर दिया गया है। और इस यही सेट जो होगा मतलब कि पहले जो होता था 5 ईयर्स होता था, तो अब इसको 3 ईयर्स के बच्चों को भी मतलब कि स्कूली शिक्षा में उनको शामिल करने की बातें इसमें की गई है। ठीक है, अब चलते हैं कि ये जो स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम है उसमें भी जो सामग्री काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये भी देखा गया कि बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है, बच्चों को समस्या होती थी ना, उनका सिलेबस जो है तो उसको भी कम करने के प्रयास में भी ये काम कर रहा है। ठीक है, वहीं उच्च शिक्षा पर भी इसने काफ़ी सिफारिशें दी हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने जो है तो 3 प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन की बात की गई है। ठीक है, टाइप 1 कैसे होंगे, ठीक है, उच्च शिक्षा के 3 प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान की बात करें तो टाइप 1 जो होंगे वो विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान होंगे। ठीक है, ये ग्लोबल लेवल के होंगे पहले टाइप के। सेकंड टाइप के जो होंगे वो होंगे रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही विषयों में काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान फोकस करेंगे। ठीक है, रिसर्च के साथ साथ जो है तो सेंटर सब्जेक्ट वाइज जो है तो काफ़ी फोकस्ड होंगे, सेकंड टाइप के होंगे। और थर्ड टाइप के होंगे ये होंगे अंडर ग्रेजुएट शिक्षा पर फोकस्ड होंगे, अपनी हायर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे ये एजुकेशन संस्थान। ठीक है, अब यदि बात करते हैं कि सभी प्रकार के जो शैक्षणिक पहल हैं और कार्यक्रम संबंधी जो क्रियाकलाप हैं उनके पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो है तो केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के साथ ही ये जो है तो एक प्रकार से एक नया शीर्ष निकाय बनेगा जो कि जिसका नाम दिया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एक बेहतर सेंट्रल और स्टेट के बीच बेहतर कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए ये भी गठित करने की बात इस समिति के इस मसौदे में लाया गया है। ठीक है, वही चलते अपने नेक्स्ट उस पर कि और भी क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। तो इसमें मानक सेटिंग, फंडिंग, प्रत्यान विनियमन के 4 कार्य स्वतंत्र निकायों द्वारा अलग अलग संचालित किए जाने हैं। कैसे, व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र नियामक के रूप में कौन बनेगा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण बनाने की बात की गई है। ठीक है, वहीं नैक जो पुनरुत्थान के नेतृत्व में एक्रेडिशन इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए, जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र के लिए भी व्यावसायिक स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय, और UGC को भी HEGC, ये भी काफ़ी मतलब पहले से ही चर्चित रहा है, तो HEGC UGC को कन्वर्ट करके बनाने की बात इसमें की गई है।
और अन्य सिफारिशों के बारे में बात करके अन्य उसने क्या पहल की है, तो इसमें से भी देखें तो समिति ने MHRD का नाम को भी बदलने की बात की है और उसके नाम को बदल करके शिक्षा मंत्रालय के नाम मतलब किए जाने की बात की गई है। वहीं 4 वर्षीय जो एकीकृत 4 विशिष्ट जो प्रोग्राम है उसको भी बीएड कार्यक्रम जो है 4 वर्षीय बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री की ये एलिजिबिलिटी होगी ये बीएड का प्रोग्राम 4 ईयर का। वहीं पब्लिक और प्राइवेट संस्थानों को भी इक्वल ट्रीट करने की बात यहाँ पास की गई है और इसमें से नॉट फॉर प्रॉफिट गतिविधि इनमें मतलब कि इनको निजी और सार्वजनिक संस्थान को भी एक प्रकार से बराबर माना जाएगा और शिक्षा नॉट फॉर प्रॉफिट गतिविधि को भी मतलब कि प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और यदि देखते हैं कि इसमें तो कुछ जैसे हम देखते हैं कि जो पॉलिसी लाई गई है शिक्षा संबंधित, ठीक है अभी तो मतलब कि इस पे देखते हैं तो जैसे कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा संबंधित इसमें कुछ मतलब कि समस्याएं भी देखने को मिली है ना, कुछ मतलब कि देखें इसमें जैसे कि शिक्षा नीति की प्रारूप में 2009 जो बचपन की जो शिक्षा है निजी और प्री स्कूल और आंगनबाड़ियों के बजाय स्कूल प्रणाली के हिस्से के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये ऐसा लाया गया है। ठीक है, इसमें ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है ना, जबकि पहले क्या था कि पहले यदि हम उस पर देखें तो हमारी तो अभी हम लोगों ने इसमें इसके बारे में बात भी किया है कि पहले ऐसा था कि जो फर्स्ट क्लास से ही स्टार्टिंग होती थी। ठीक है, यानी कि 5 साल का जब बच्चा हुआ तो फर्स्ट में उसका एडमिशन होता था। ठीक है, तो वर्तमान के सिस्टम में हमारी जो IIT जो है तो ये कवर करती है क्या फर्स्ट टू क्लास 8 तक के लिए, तो ये स्टार्टिंग का था यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट होता था। वहीं आंगनवाड़ी या प्री स्कूल ये जो थे 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए थे। ठीक है, 3 से 6 साल तक का जब बच्चे होते थे वो आंगनवाड़ी उसके बाद प्री स्कूल में जाते थे। उसके बाद ये इसका जो पर्पज़ होता था स्वास्थ्य और जो कुपोषण समस्या संबंधित समस्याएं हैं तो ये यहाँ पास से सॉर्ट आउट की जाने की बातें हो रही थी। ठीक है, वहीं फिर धीरे धीरे जो है तो इसको मतलब कि वो करने की बात है। वहीं ये बात की ड्राफ्ट की बात की जाती है तो ड्राफ्ट जो अपना आया है तो ड्राफ्ट में जो है तो इसमें 3 ईयर्स इंक्लूड किया गया है ना क्लास 12 तक। फिर तो इसी पे यदि देखें तो इसके फ्रेमवर्क में तो काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। साथ ही साथ जो ये जो आंगनवाड़ी हैं ठीक है तो इनको भी ऐसे मतलब कि वो किया गया कि प्री स्कूलों में इनको जो है तो इंटरलिंक करने की बातें हो रही हैं। ठीक है, ये तो अभी कोई फाइनलिस्ट का डिसीजन भी नहीं देखा गया है। इस पर देखते हैं कि इसमें यहाँ पास जो है तो यानी कि जो वर्तमान में 306 साल के वर्ग के बच्चे हैं उनके बचपन की जो शिक्षा है उसको निजी प्री स्कूल और आंगनवाड़ियों में पूरा करने के बजाय जो है तो स्कूल प्रणाली के हिस्से के रूप में किस प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको निगरानी और विनियमित किए जाने की बात यहाँ पास इस मसौदे में थी। ठीक है, तो ये जो है तो स्पेशली इसके कुछ और भी मोटिव देख सकते हैं क्यों इसको ऐसा किया जा रहा है कि जैसे कि गेम संबंधित है ना एक्स्ट्रा करिकुलम वगैरह जो रिसर्च खोज पर आधारित अन्य चीज़ों पे भी जो है तो ये मतलब कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से फ्लेक्सिबल प्रणाली के साथ जो है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक बेहतर तरीके से नया एकीकृत इंटीग्रेटेड तरीके से ये पाठ्यक्रम यहाँ पास लाया जाएगा। ठीक है, और 3 साल की जो उम्र से जो 3 भाषाओं के लिए जो है तो परिचय और शिक्षा की शुरुआत करने का भी प्रस्ताव ये करते हैं यानी कि त्रिभाषा फार्मूला। ठीक है, त्रिभाषा फार्मूला के बारे में हालांकि काफ़ी ज़्यादा विवादित भी रहा है तो इसको सरकार ने वापस ले लिया था। ये कंपलसरी मतलब कि बाइंडिंग नहीं है कि सभी राज्यों को इसको, ये स्वैच्छिक हो गया था है ना, तो ये भी मतलब काफ़ी विवादित विषय रहा था। ठीक है, त्रिभाषा फार्मूला तो इस पर यदि हम देखें तो इस पर देखते हैं कि जैसे कि स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास और महिला और बाल विकास ये जो मंत्रालय हैं इनका एक संयुक्त कार्यबल जो होगा स्कूली शिक्षा प्रणाली के साथ प्रारंभिक बचपन के शिक्षा के एकीकरण के परिचालन और वित्तीय प्रभाव को भी ये रेखांकित करते हुए एक विस्तृत योजना भी बनाने का मसौदा इसमें तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर कुछ बातें मतलब कि और भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये नीति है तो स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए आंगनबाड़ियों के योगदान की प्रशंसा तो करती है लेकिन ये भी है कि शिक्षा में उनका रिकॉर्ड इतना मजबूत नहीं देखा गया है ना। वहीं हाल के जैसे कुछ चेंजेस देखे गए हैं तो उसमें आंगनबाड़ी प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा समस्या भी देखी जा सकती है ना, कि यदि इस प्रकार के डिसीजन देखे जाएंगे तो निश्चित तौर पे इन पर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर देख सकते हैं कि आगे मतलब कि क्या फाइनल डिसीजन होता है इसमें, ये देखेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष संबंधित है कि अभी हाल ही में जैसे कि प्रधानमंत्री ने जो है तो ये जो राष्ट्रीय रक्षा कोष है उसके अंतर्गत जो है तो प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना है उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत अब क्या गया है, इसका दायरा बढ़ाया गया है। पहली बात तो इसमें जो छात्रवृत्ति है उसको बढ़ा करके जैसे कि पहले जो छात्रवृत्ति लड़कों के लिए 2000 हर माह दी गई तो उसे बढ़ाकर 2500 की गई है और वहीं लड़कियों के लिए 3000 कर दी गई है। वहीं इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि जो है तो अब इसमें जो है तो राज्य पुलिस अधिकारियों के उन बच्चों के लिए को भी शामिल किया जाएगा जो कि आतंकी नक्सली हमलों में शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो गृह मंत्रालय होगी, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। वहीं आप लोग इसमें देख सकते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा कोष के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय रक्षा कोष की। ठीक है, तो
वही इसके बारे में देखें कि जो तो राष्ट्रीय रक्षा प्रयास को बढ़ावा देने के लिए और नगद और अन्य तरह के स्वैच्छिक दान की प्राप्ति और इसके उपयोग पर निर्णय लेने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रीय रक्षा कोष था। अब हम चलते हैं इसमें अध्यक्ष के बारे में। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और रक्षा वित्त और गृह मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। तो ये तो आपका राष्ट्रीय रक्षा कोष था। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्यापारियों के लिए पेंशन योजना। क्या है व्यापारियों के लिए पेंशन योजना? ये काफ़ी एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यापारियों के लिए तो काफ़ी एक नया गवर्नमेंट ने मतलब कि वो दिया है, एक प्रकार से सौगात ही दिया है कि जैसे यहाँ पास क्या गया कि सभी छोटे दुकानदार और स्वरोजगारी व्यक्तियों के साथ साथ जो ऐसे रिटेलर ट्रेडर या व्यापारी हैं उनको भी जो कि जीएसटी टर्नओवर वर्ष क्या है इसके मतलब कि लिमिटेशंस हैं कि जिसका जीएसटी टर्नओवर वर्ष भर में लगभग 1.5 करोड़ से कम है वो इसके पात्र हैं। साथ ही साथ उनकी जो एज लिमिटेशंस क्या है 18 to 40 ईयर इनके बीच हो वही इसमें नामांकन अपना कर सकते हैं। यानी कि दो कंडीशंस यहाँ पर सरकार ने रखी है। पहली कंडीशंस है कि उनका साल भर का जो जीएसटी टर्नओवर हो 1.5 करोड़ से कम हो और उनकी जो एज हो 18 to 40 ईयर हो। सेकंड पे जाते हैं कि जो ये पेंशन है ये सभी छोटे दुकानदार खुदरा व्यापारी स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु जब उनकी हो जाएगी उसके बाद उन्हें 3,000 रुपये मंथली मिलने लगेगी। न्यूनतम मासिक पेंशन योजना है। ठीक है, तो ये हो गया। वहीं इनमें और भी अन एडवांटेज दिए जाएंगे कि भारत सरकार जो सब्सक्राइबर है उसके खाते में भी योगदान देती है। ठीक है, तो ये है कि यानी कि जितना उधर से मतलब कि मतलब इस पे जो है तो मतलब व्यापारी जो अपने पेंशन पे जितना मंथली दे पे करेगा उतना ही सरकार ऐड करेगी उसमें, उतना ही सरकार भी इसमें जोड़ेगी और फिर उसका 60 साल के बाद जो है तो पेंशन मिलने लगती है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा और महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट देख सकते हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ये जो योजना है तो ये पहली बात इस स्वघोषणा पर आधारित है क्योंकि आधार और बैंक खाते के अलावा किसी भी दस्तावेज की यहाँ पास आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की नहीं की गई है। लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंक खाता और आधार चाहिए। वहीं इच्छुक व्यक्ति देश भर में फैले लगभग 3,25,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर से अपना इसको मतलब नामांकन कर सकता है और लगभग 3 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारी इससे लाभान्वित होंगे। तो ये हुआ। वहीं चलते हैं नेक्स्ट के किसानों के लिए पेंशन योजना आई थी तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो किसानों के लिए पेंशन योजना है तो ये जो है तो देश भर के सभी लघु और सीमांत किसानों को फोकस्ड है। ठीक है, साथ ही साथ ये स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। याद रखिए कि एक स्वैच्छिक है, सभी को कोई मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और आपको इसके लिए कुछ देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं देना है डायरेक्ट सरकार 60 साल के बाद आपको पेंशन देने लगेगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, इस गलत फहमी में ना रहेंगे। ठीक है, तो यह है कि कुछ आपको अंश देना पड़ेगा और उतना ही गवर्नमेंट एड करेगी, वही सेम सिस्टम चल रहा है और ये एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है और ये लघु और सीमांत सभी लघु और सीमांत किसानों को ये मिलेगी, इसका लाभ मिलेगा। इसके तौर पर बात करते हैं इसके भी एज की लिमिटेशन है कि इसमें आप कैसे कब प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप 18 से 40 वर्ष के बीच हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे आप मंथली इसमें कुछ पैसा जमा करेंगे, उसके बाद आफ्टर 60 ईयर आपको एक निश्चित अमाउंट सरकार के द्वारा पेंशन के तौर पर 3,000 रुपीज़ मिलने लगेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। और यदि बात करते हैं कि इसमें थोड़ी सी पास क्राइटेरिया बताया गया कि यदि लाभार्थी किसान को 29 वर्ष की औसत आयु में यदि ज्वाइन करता है तो उसे 100 रुपये हर माह योगदान करना होगा। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। मतलब इस तरह से मतलब कोई 29 वर्ष में प्रवेश करता है तो उसे 100 रुपये देने होंगे, कोई 18 वर्ष से करेगा तो उसको और कम होगा। ठीक है, तो ये है। वहीं केंद्र सरकार पेंशन फंड में भी उतनी ही राशि का योगदान देगी है, हम लोगों ने इस बारे में बात कर लिया है। ठीक है, वहीं एक महत्वपूर्ण कुछ इसकी इस पेंशन योजना की कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि कभी कभी क्योंकि पेंशन योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी ने पूछे भी हैं पिछले उस सालों में। तो जैसे बात करते हैं कि जो सब्सक्राइबर होगा है ना जो इसको ज्वाइन करेगा तो उसकी मृत्यु के बाद ये जो पेंशन योजना है वो लाभार्थी के जो जीवन साथी है उसको भी पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त पेंशन का लगभग 50% प्राप्त करने का हक होगा। याद रखिएगा कि ये ट्रांसफरेबल भी है, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसने ज्वाइन किया है ठीक है अब यदि वो बीच में एक्सपायर कर जाता है तो उसका जो जीवन साथी उसका जो पार्टनर है ठीक है पति या पत्नी कोई भी हो सकता है तो उसको भी ये जो पारिवारिक पेंशन योजना है उसका लाभ जो है तो उसका 50% पाने का हकदार होगा। ठीक है, पेंशन के रूप में पेंशन उसको जैसे कि 3,000 इनको मिलने वाली थी तो वो 1,500 उन्हें मिलने लगेगी। ठीक है, तो पेंशन के रूप में मतलब कि 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस हैं कि पहले से यदि वो उस योजना का लाभार्थी है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा, यदि वो लाभार्थी नहीं है तभी उसको पेंशन का 50% मिलेगा अपने पार्टनर का। अब बात करते हैं कि जो योजना के बीच जो किस प्रकार से तालमेल की बात करते हैं तो जैसे किसान इस योजना में अपने मासिक योगदान को सीधे पीएम किसान योजना से प्राप्त लाभों से करने की अनुमति देने का भी विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ही इसको आप मासिक योगदान के मतलब डायरेक्ट ही इसको इंटरलिंक कर सकते हैं डिडक्ट होने के लिए, ये भी आपके पास ऑप्शन होगा। वहीं वैकल्पिक रूप से एक किसान अपने मासिक अंशदान का भुगतान
MEITY के तहत कॉमन सर्विस सेंटर से भी है, तो इसके मतलब के प्रोसेस हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये जो ऐसा मतलब कि अनुमान है कि लगभग 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। और ये जो योजना है वो पीएम किसान मौद्रिक सहायता के साथ आर्थिक बोझ को कम करेगी और अधिक दक्षता प्रदान करेगी, इसके तो ब्रॉड लेवल पर इसके इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके बारे में यदि थोड़ा सा हम लोग देखें तो यहाँ पास देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हालांकि हम लोगों ने इसके बारे में बात ऊपर किया है, लेकिन वहाँ पास हम लोगों ने स्पेशली ये बात किया है कि कौन उसका पात्र है कौन उसका पात्र नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पास थोड़ा सा इसको थोड़ा और नए डायमेंशन देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं प्रीलिम्स में, इसलिए जो है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के प्रयास करेंगे कि जो प्रधानमंत्री किसान जो ये सम्मान निधि है इसके दायरे को बढ़ाया गया है, ठीक है। अब इस निर्णय के साथ जो है पात्र किसान परिवार जो हैं, तो पहले जो है तो लिमिटेशंस थी, तो अब इसमें क्या कर दिया गया कि अब जो सभी भूमि रखने वाले इस योजना के तहत लाभ उठा सकते थे, पहले छोटा सीमांत लघु सीमांत ही थे, अब सभी जो है तो भूमि धारक जो है तो इसके लाभार्थी होंगे। और संशोधित जो योजना है उसमें लगभग लगभग 2 करोड़ किसान और शामिल हो जाएंगे, यानी कि अब टोटल जो संख्या हो जाएगी लगभग 14.5 करोड़ के आसपास जो लाभार्थी हो जाएंगे इसके। वहीं पीएम किसान योजना जो है तो 2019-20 में जो है अंतरिम बजट के समय स्टार्ट की गई थी, है ना, और दिसंबर में इसका पहला इंस्टॉलमेंट भी 2000 सभी किसानों को दिया गया था 2000। तो यदि बात करते हैं कि जो पीएम किसान का प्रमुख तत्व है वो देश भर में 2 हेक्टेयर तक, ठीक है, ये खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत भूमिधारी किसान परिवारों को 6,000 रुपये का आय समर्थन देना है, ठीक है। तो इसे विस्तृत कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो राशि है ये हर वर्ष 2,000 रुपये की एक प्रकार से 4 मासिक किस्तों में जारी की जा रही है, ठीक है, 3 या 4 मासिक किस्तों में दी जाएगी, यानी कि 6,000 टोटल देना है। ये हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, जिसे कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के DBT के जरिए जो है तो ट्रांसफ़र किया जाएगा बैंकों में डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये हो गया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। GSP जो है तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो GSP के बारे में जानते हैं कि सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता, यानी कि यदि हम इस पर देखें यदि तो जैसे कि अमेरिका ने जो है तो भारत पे इसका लाभ देने से इनकार कर दिया था 5 जून 2019 को, GSP लाभ से वापस किया था, मतलब कि भारत को इसका एडवांटेज जो दिया जा रहा था जो हमारे एक्सपोर्ट संबंधित उसमें, तो अब जो है तो इस प्रकार की रियायतें अमेरिका देने से उसने इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानें तो जो GSP है ये अमेरिकी व्यापार कार्यक्रम है, याद रखिएगा कि एक अमेरिकी व्यापार कार्यक्रम है जिसे अमेरिका में के उस पे ही जो है तो यानी कि जो छोटे मतलब कि विकासशील देश हैं, ठीक है, कम विकसित जो राष्ट्र हैं तो उनके व्यापार को इन्हेंस करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए जो है तो ऐसा ये इनिशिएटिव अमेरिका के द्वारा लिया गया था, ठीक है। इस पे बात की जाए तो ये जो विशेषता है इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो ये जो है तो एक तरफा गैर पारस्परिक और गैर भेदभावपूर्ण लाभ है जो कि 129 नामित लाभार्थी देशों और क्षेत्र लगभग 4800 प्रोडक्ट हैं उनके लिए जो है तो एक प्रकार से तरजीही शुल्क मुक्त प्रविष्ट प्रदान करने के एक प्रकार से विकासशील दुनिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के विस्तारित किया गया है अभी, यानी कि अमेरिका ने 129 राष्ट्रों को नोटिफाई किया था, लगभग 4800 उनके प्रोडक्ट थे जिन्हें कि एक प्रकार से बहुत ही कम या ना के बराबर से टैक्स वसूला जाता अमेरिका में उनके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, यानी कि वही मोटो है विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक विकास के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। इसकी ड्यूरेशन की बात कहते हैं तो ये जो कब स्टार्ट हुआ था, तो GSP जो है तो 1 जनवरी 1976 को व्यापार अधिनियम 1974 के द्वारा स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण है कि पहली बात किस एक्ट के तहत ये इसको लागू किया गया है, तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है तो ट्रेड एक्ट 1974 के तहत GSP को लागू किया है अमेरिका ने। इंप्लीमेंटेशन का टाइमिंग क्या है, 76 एक्ट कौन सा है 74 के तहत और 1 जनवरी 1976 से लागू हुआ था, ठीक है। GSP कार्यक्रम में प्रभावी तिथियाँ जो कि प्रासंगिक कानून में निर्दिष्ट है, ठीक है। तो अब यदि हम बात करते हैं कि इसके जो हाल के जैसे डिसीजन लिया गया तो उसके भी कुछ मतलब डायमेंशंस हैं। अमेरिका ने जैसे कि अमेरिका तो भारत पे आरोप लगाता ही रहता है, ठीक है, कि भारत जो है हमारे मतलब प्रोडक्ट पे अपने अंदर प्रवेश के लिए ज़्यादा वो चार्जेस लगाता है, हार्ले डेविडसन की बात की जाए या कि अन्य उस पर जो है तो भारत टैरिफ ज़्यादा लगाता है, ठीक है। तो जैसे अमेरिका ने जैसे भारतीय निर्यात के लिए जो अधिमान जो टैरिफ है उसको समाप्त कर दिया और ये निर्धारित करने के बाद कि भारत जो है तो USA के लिए अपने बाजारों के लिए समान और उचित पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, जिस प्रकार उसने बोला भी था ट्रंप ने, ठीक है। तो ये जैसे कैसे जैसे ट्रंप प्रशासन ये भी कर रहा है कि जैसे भारत के साथ जो है व्यापार असंतुलन है, ये वाकई में है भी कि भारत जो है तो अमेरिका के साथ जो है तो ट्रेड सरप्लस पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ उनके कंसर्न्स भी थे कि जैसे कि डेयरी चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए भारतीय बाजार तक कोई पहुँच नहीं हो रही है, है ना। वहीं साथ ही डेटा स्थानीयकरण मानदंडों से संबंधित भी कुछ और भी मुद्दे उठाए गए थे अमेरिका के द्वारा, ठीक है। तो ये था, तो इस पर हम लोग अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेम स्पीकर से संबंधित है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में जाने, तो प्रोटेम स्पीकर जैसे कि देखें कि ये जो शब्द है प्रोटेम, तो ये प्रो टेम्पोर शब्द से बना हुआ है, यानी कि एक लैटिन शब्द है, ठीक है। तो इस पर यदि बात करें कि इसका कहाँ संविधान पे यदि हम ध्यान दें, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 94(2) में इसको कहा गया है कि नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। ये तो था 94(2) के तहत, ठीक है। तो जब अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, लेकिन याद रखें कि तत्काल ही जब कोई विधानसभा मतलब कि जब विघटन होता है, तो उसके साथ ही साथ जो है तो अध्यक्ष का पद बना रहता है। उसका कब विघटित होता है? जब नई लोकसभा गठित हो जाती है और उसकी पहली बैठक होने के ठीक पहले, तभी जो है तो अध्यक्ष जो है तो पद खाली करता है, उसके पहले नहीं करता है, ठीक है। स्पेशली अध्यक्ष की बात हो रही है। यदि बात करते हैं कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में, तो आर्टिकल 95(1) में कहा गया है कि अध्यक्ष और उपसभापति का पद रिक्त होने के बाद कार्यालय के कर्तव्यों को लोकसभा के ऐसे सदस्य के द्वारा निष्पादित किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करते हैं, ठीक है। वहीं आर्टिकल 183(2) और आर्टिकल 184(1) के तहत जो है तो राज्य विधानसभा के लिए भी इसी प्रकार के प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। यदि हम वर्तमान में प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, यह एक नए स्पीकर के चुनाव तक जो है तो नवगठित लोकसभा जो होती है उसके प्रथम बैठक से स्पीकर के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, ठीक है। यानी कि ये कब नियुक्त होता है? तो याद रखने वाली बात है कि जब यानी कि नई लोकसभा गठित होती है, या लोकसभा यानी कोई लोक नई विधानसभा ही गठित होती है, उसकी पहली बैठक जब शुरू होती है, तो उसी में ये प्रोटेम स्पीकर वो होता है बनता है, और फिर वो पूरी स्पीकर जो लोग वो अध्यक्ष के जो भी कर्तव्य हैं ड्यूटीज़ हैं उसको पूरी तरह से वो करता है, और मतलब कि पूरा करने के लिए उसकी जो, क्योंकि तब तो स्टार्टिंग में है तो अध्यक्ष नहीं नियुक्त होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर जो है तो पूरे अध्यक्ष के कार्यों को तब तक मतलब करता रहता है, इसीलिए इसको मतलब कि नियुक्त किया जाता है, ठीक है, नए स्पीकर के चुनाव तक। अब ये बात करते हैं कि परंपरा से लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है तो इसके मतलब उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है, जो सबसे एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है तो उन्हें स्वयं शपथ दिलाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं, और जैसे राज्य विधानसभा में तो राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। वहीं शक्ति और कार्य के बारे में बात करें, तो शक्ति और कार्यों में उसके पास स्पीकर की सभी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन मुख्य कर्तव्य है कि नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ, यानी कि वो तो ठीक है कि उसके पास पूरी पावर्स है स्पीकर वाले, लेकिन उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, वो किस लिए है आखिर प्रोटेम स्पीकर? तो क्या करेगा प्रोटेम स्पीकर कि जब नव निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाएगा, ठीक है, जो भी नई विधानसभा हो या नई लोकसभा हो जब गठित हुई, तो प्रोटेम स्पीकर बना, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ली राष्ट्रपति से। अब या उसके कर्तव्य क्या है कि वो क्या करेगा कि जो नव निर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएगा, और जो नया लोकसभा स्पीकर है उसके चुनाव की भी अध्यक्षता वही करता है, ठीक है। अब जैसे ही नया लोकसभा का स्पीकर चयनित हो गया, या कि विधानसभा का नया स्पीकर चयनित हो जाएगा, उसके बाद ये जो प्रोटेम स्पीकर पद है ये अपने आप ऑटोमेटिक, याद रखिएगा कि स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का जो कार्यालय है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा जैसे ही नया स्पीकर बन गया तो, ठीक है। वहीं इसलिए ही यह कार्यालय अस्थायी कार्यालय होता है, जो कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मौजूद रहता है, ये परमानेंट नहीं, ये टेम्परेरी है, याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर का पद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन आधारित तैनाती, यानी MBD। तो MBD क्या है? तो ये जो है तो हिंद महासागर क्षेत्र में अपने मिशन आधारित तैनाती को विस्तार स्वरूप नौसेना ने जो अदन की खाड़ी है उसमें गश्त करने के लिए जो तो ओमान में ये जो है तो सलालाह से समुद्री डकैती विरोधी जो संक्षिप्त यात्रा उसके लिए जो है तो लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान P-81 तैनात किया है, ठीक है। P-81 जो है तो इसी के प्रकार से MBD का ही एक वो है ना, इनिशिएटिव है आगे का। अब यदि बात करते हैं कि इसी के संदर्भ पर देखें, तो हिंद महासागर के बारे में तो महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यदि हम IUR के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो IUR जो है तो भारतीय नौसेना की तैनाती को मिशन आधारित तैनाती यानी कि MBD अवधारणा के तहत 2017 से ये ऐसा सिस्टमेटिक किया गया है, ठीक है। तो यदि बात करते हैं MBD जो अवधारणा है उसके तहत क्या करना है कि एंटी पायरेसी तैनाती के अलावा IN जहाज़ों को भी इन मिशन के लिए तैनात किया गया था, ठीक है। यानी कि हमारी भारतीय नौसेना ही तैनात होती हैं ना, जैसे P-18 तैनात हो गया MBD मिशन के तहत, तो MBD मिशन के तहत ही है तो वही नौसेना ही तैनात होती है, लेकिन एक प्रकार से एक नया इसका ढांचा मतलब कि स्ट्रेटजिक तरीके से चेंजेस किए गए हैं, और इसमें जो है तो इसके तहत जो है तो एंटी पायरेसी तैनाती के अलावा IN जहाज भी इसमें तैनात होते हैं। वहीं फारस की खाड़ी में जैसे कि ऑपरेशन गल्फ डेप, वहीं मध्य हिंद महासागर क्षेत्र में भी शेंट डेप ऑपरेशन, इस तरह के जो है तो नौसेना के द्वारा अभ्यास भी किए गए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। वहीं जैसे कि बात करते हैं हम लोग की
नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी तो भारत की हमेशा से ही रही है। तो उसके तहत जैसे भारतीय नौसेना जो है तो क्या करते हैं कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया इनके साथ तो एक प्रकार से समन्वित तरीके से गश्त करती है, कॉर्पोरेट करती है। और साथ ही साथ ये जो मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस हैं, ठीक है, मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस इनके साथ भारत जो होता है संयुक्त रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ की निगरानी भी करती है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत किस प्रकार से अपने पड़ोसियों को लेकर के चलता है, अपने पड़ोसियों के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी जो क्षेत्रीय हित हैं उनको ही किस प्रकार से जो है तो मेंटेन रखता है। तो ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रारूप कॉपीराइट संशोधन नियम 2019। तो वर्तमान डिजिटल युग के साथ साथ जो नए चैलेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है तो कॉपीराइट एक्ट जो है तो उसको भी समय समय पर निष्पादित करने की जरूरत होती रहती है। तो उसी पे जो है तो यहाँ पास जो है तो भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग ने ये तो कॉपीराइट संशोधन एक्ट 2019 का एक रिजोल्यूशन लाया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसके बैकग्राउंड में कि जो कॉपीराइट ये एक्ट है 1957 तथा कॉपीराइट नियम 2013 इससे ये अधिशासित होता है कॉपीराइट व्यवस्था। ठीक है, किसके किसके कैसे जो कॉपीराइट सिस्टम है तो कॉपीराइट एक्ट 1957 और कॉपीराइट रूल 2013 इससे रेगुलेट होता है। वही कॉपीराइट जो रूल 2013 है इसमें भी 2016 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। ठीक है, तो इस पर से यदि हम देखें तो जैसे कि कुछ इसमें जो ये मसौदा लाया गया तो उसमें कुछ इसके कुछ टारगेट हैं, जैसे कि ये यहाँ पास कुछ चैलेंजेस तो हम जैसे टेक्नोलॉजी के युग में देख ही रहे हैं। तो इसमें जैसे कॉपीराइट एक्ट का बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, है ना, और ट्रांसपेरेंसी के साथ, है ना, तो इसमें भी और भी चीज़ें जोड़ने की कुछ जरूरत महसूस हुई थी। तो इसमें जैसे कि बात करें तो रूल 29 और 31 नियम 29 और 31 तक जो है तो रेडियो प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण शब्दों के लिए जो है तो प्रसारण के प्रत्येक मोड को शामिल करने के लिए कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा। ठीक है, वहीं 29 से 31 साहित्यिक और संगीत कार्यों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के प्रसारण के लिए भी एक वैधानिक लाइसेंस संबंधित होगा। ठीक है, तो इसके और भी यदि बात की जाए तो इसमें से नियम इसका 57(3) और (4) जो है तो इसको भी एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। ठीक है, वहीं लेखक या मालिक जो है जिनकी पहचान नहीं हो सकी है उनकी जो रॉयल्टी है उसको 3 साल तक रखा जाने की बात इसमें की गई है। ठीक है, जिनकी मतलब कि पहचान नहीं हुए तो उनकी जो रॉयल्टी है उसको 3 साल तक मतलब कि रखी जाएगी। वहीं इसमें एक वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट होने की भी आवश्यकता की बात इसमें की गई है जो कि कॉपीराइट समाज को एक बेहतर तरीके से किया जा सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अजीत डोभाल से रिलेटेड, ये है कि जैसे इस पर देखें कि NSA के इन्हें जैसे एक प्रकार से कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है। ठीक है, उससे संबंधित है कि जैसे कि ये अगले 5 साल तक के लिए इन्हें फिर से जो है तो नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिर से जो है तो मतलब बना दिया गया है। ठीक है, तो इस पे देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जाए तो ये जो NSA हैं उन्हें यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन्हें जो है तो कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, कैबिनेट रैंक का दर्जा इन्हें दिया गया है। वहीं ये जो है तो 1968 के IPS अधिकारी हैं। ठीक है, वहीं यदि बात करते हैं कि डोवाल यदि इनके और एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान, ब्रिटेन इनमें भी जो थे अपने राजनयिक कार्य में भी काफ़ी इन्होंने मतलब कि इनका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और साथ ही साथ IB के डिफरेंट ऑपरेशन में भी इन्होंने कमान संभाली है। ठीक है, तो यदि NSA की बात की जाए तो NSA जो है तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करता है जो है तो यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका उसकी अध्यक्षता जो है तो NSA करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री का ये प्राथमिक सलाहकार भी है। ठीक है, NSA पहले यदि बात करें ब्रिजेश मिश्रा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। ठीक है, वही यदि बात करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग तो NSC जो है तो ये एक कार्यकारी सरकारी एजेंसी है। 1998 में ये रणनीतिक महत्व के लिए राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों की देखरेख के लिए ये स्थापित हुई थी। वहीं NSC की बात की ये एक त्रिस्तरीय संगठन है। ठीक है, त्रिस्तरीय संगठन कैसे है, इसमें 3 वो शामिल हैं जिसमें से एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप SPG है, सेकेंड अपना है NSAB यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, और थर्ड अपना है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी यानी कि JIC कमेटी। ये त्रिस्तरीय उस पर काम करता है ये आपकी NSC। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दल बदल से संबंधित, ये टॉपिक है इसमें से जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो आए दिन तो ये जो है तो दल बदल ये जो है तो सुर्खियों में रहता है। ये आप लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा भी होगा दल बदल से संबंधित जो है तो जैसे कि ये बात करते हैं कि इसका दल बदल का सेंस क्या है। तो जो दल बदल का जो मतलब है जब एक विधायक या जनप्रतिनिधि जो है तो उस राजनीतिक दल को छोड़ देता है जिससे कि वह चुना गया है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है यानी अपने दल को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इससे ये घटनाएं जो है तो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो इसीलिए जो तो इसी को कम करने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत पड़ी। तब सरकार ने जो है तो इससे संबंधित जो कानून लाया तो संविधान में 52 अमेंडमेंट किया गया और
दल बदल की जो समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, सरकारें स्थायी हो ही नहीं पाती थी, जो भी लाभ के लिए जो है तो कोई भी इधर से उधर मतलब कि MLA खरीदे जाते थे, हार्स ट्रेडिंग जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, है ना। तो ये जो कठोर कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में, एंटी डिफेक्शन ला, तो इसमें बात की जाए तो वहीं भारत इसने जो है तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची यानी कि A102 और 191(2) इसको भी जोड़ा था इसने, मतलब कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है तो दल बदल इसमें जोड़ी गई थी संविधान में। अभी इसके बारे में बात करते हैं, तो ये जो है सभी तीन प्रकार के सदस्यों से संबंधित है दल बदल कानून, ठीक है। कैसे, तो ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं, कि पहले कि जो पार्टी के टिकट से चुने गए सदस्य इनको भी ये टारगेट करता है, निर्दलीय विधायक हैं उनको भी कंट्रोल करता है, वहीं मनोनीत सदस्य हैं उनको भी कंट्रोल करता है। अब देखें कैसे, इस पर और भी देखें कि जैसे 10वीं अनुसूची के प्रमुख प्रावधान के तौर पर यदि देखते हैं, तो जैसे कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान में देखें तो सदस्यों के लिए दल बदल के आधार क्या होने चाहिए, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार ये होने चाहिए कि सदस्यों के लिए जो पार्टी के टिकट पर चुने जाते हैं, यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित जो सदस्य हैं वो कंडीशंस हैं, ये जो स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, कैसे स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ देता है, या उनकी राजनीतिक पार्टी के निर्देशों के विपरीत विधायिका में वोट करता है या नहीं करता है, ठीक है, या तो ये कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, ये कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इस पर देखते हैं कि हालांकि यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति ले ली है, पहली बात कि दल बदल कानून कब लागू होगा, यदि उसने संबंधित स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ दी, या कि उसने पार्टी के जो मतलब कि निर्देश थे, है ना, तो उसको मतलब उसने नहीं फॉलो किया है, ठीक है, तो उसी से संबंधित है। कि इस पर यदि हम देखें तो यदि कुछ इसमें मतलब कि देखें कि यदि सदस्य ने उससे पहले से अनुमति ले ली है, ठीक है, पूर्व अनुमति यदि उन्होंने ले ली है, और फिर इस तरह के मतदान या परहेज करने से 15 दिन के भीतर या तो उसने माफ़ी मांग ली है, ठीक है, और यदि उसने मतलब कि पार्टी ने क्षमा कर दिया है तो सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसमें आप इसको याद रखिएगा कि सदस्य ने परमिशन ले ली है, ठीक, और पार्टी ने उसे माफ़ भी कर दिया है ना, जैसे कि अगेंस्ट पार्टी के खिलाफ मुख्यधारा से अलग हट करके वोट करना ना, या उसकी गाइडलाइंस को न मानना, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन उसमें यदि 15 दिन के भीतर उसने मतलब माफ़ी मांग ली है संबंधित सदस्य ने और पार्टी ने इसे माफ़ कर दिया है, क्षमा कर दिया है, तो वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। वहीं स्वतंत्र सदस्य जो हैं उनके लिए भी क्या कंडीशंस की गई है, जो निर्दलीय सदस्य होते हैं उनके लिए, कि यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार यदि चुनाव हो गया, ठीक है, अब चुनाव के बाद जो है तो कोई भी अन्य राजनीतिक दल में यदि वो शामिल हो जाता है तो उस पर भी ये लागू होता है, ठीक है, यानी कि उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है, कि पहले तो आप भाई तटस्थ थे और जैसे ही आप चुन लिए गए तो अब अपने लाभ के लिए आप दूसरी तरफ चले गए, तो ये जो इस प्रकार का होगा तो वो भी जो तो अयोग्य हो जाएगा। वहीं मनोनीत सदस्यों के लिए बात की जाए तो मनोनीत सदस्य के लिए यदि कोई विधायक सदस्य बन जाता है, बनने के 6 महीने बाद यदि किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी भी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। मनोनीत सदस्य 6 महीने के पहले किसी पार्टी को शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, लेकिन यदि सदस्य बनने के 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, याद रखिएगा, यानी कि तब उसमें यही लागू होगा, ठीक है, दल बदल कानून का। वहीं इसके अपवाद के तौर पे भी कुछ हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अपवाद ये है कि यदि एक व्यक्ति है उसको अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा यदि उसकी जो मूल राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, यदि मूल राजनीतिक पार्टी है वो दूसरे के साथ विलय करती है और वह और पुराने जो राजनीतिक दल हैं उसके अन्य सदस्य जो नई राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है, ये कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में ये दल बदल कानून नहीं लागू होता है, कि जो मूल राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, दूसरे के साथ वो विलय कर लेती है और वह पुराने राजनीतिक दल के अन्य सदस्य नई राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है, या और क्या कंडीशंस है और क्या मतलब किसमें लागू नहीं होता है, यदि विलय को स्वीकार नहीं करते हैं ये सदस्य, या विलय को स्वीकार नहीं करते हैं और एक अलग समूह के रूप में कार्य करने का विकल्प चुनते हैं, ये भी कंडीशंस हैं। यह अपवाद केवल तभी संचालित होगा जब सदन में पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हों। ये ध्यान देने वाली बात है कि आप यदि किसी मेन स्ट्रीम पार्टी से अलग उसमें जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दल बदल का ये कानून उस पर इम्प्लीमेंट ना हो, तो कम से कम ऐसे कुल जो पार्टी सदस्य सदन में जो पार्टी कम से कम 2/3 जो सदस्य हैं यदि वो हटते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है कि 2/3 होना चाहिए, ठीक है। वहीं क्रॉस वोटिंग एक्सटेंशन के समय या क्रॉस वोटिंग एक्सटेंशन में निम्न मामले भी जो हैं तो सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और कौन से मामले हैं, यदि सदस्य ने पार्टी के द्वारा पूर्व अनुमति ले ली है, यदि उसने पूर्व अनुमति ले ली है तो उसे सदस्य नहीं किया जाएगा उसकी सदस्यता को, या इस तरह के मतदान या परहेज करने से 15 दिन के भीतर पार्टी उसे क्षमा कर देती है तो भी वो अयोग्य घोषित नहीं होगा, ठीक है। याद रखने वाले कि पूर्व अनुमति यदि उसने ले ली है तो भी नहीं होगा, 15 दिन के भीतर यदि उसने क्षमा मांग ली है तो भी अयोग्य घोषित नहीं हो जाएगा। वहीं
अयोग्य घोषित करने की शक्ति की बात की जाए तो अयोग्य घोषित कौन कर सकता है, तो वो कर सकता है अध्यक्ष, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो या लोकसभा में कंडीशन हो तो लोकसभा का अध्यक्ष हो, ठीक है। वहीं यदि बात करते हैं कि यदि किसी अध्यक्ष के दलबदल के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो उस सदन के द्वारा चुने गए सदन का सदस्य इसका निर्णय लेगा, ठीक है, ये हो गया। वहीं ये चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और खाद्य उत्पादन संबंधित है, ठीक है। ये टॉपिक न्यू टॉपिक है जलवायु परिवर्तन खाद्य उत्पादन। ये स्पेशल टॉपिक मैंने जो है तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया है, क्योंकि ये जो तो डाटा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको बिल्कुल ही परेशान मत होइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यदि इस पर देखेंगे जलवायु परिवर्तन खाद्य उत्पादन संबंधी जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी है उनकी वैज्ञानिकों द्वारा जो है तो PLRSO1 यानी कि ये पत्रिका प्रकाशित की गई थी, उसमें रिसर्च में जो है तो जलवायु परिवर्तन गेहूं और चावल जैसे जो प्रमुख फसल है उनके उत्पादन पर किस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डालता है उसके बारे में इसे फोकस किया गया है, ठीक है। तो रिपोर्ट में जैसे बताया गया है कि जो दुनिया की टॉप 10 फसलें हैं जैसे जौ, कसावा, मक्का, आयल पाम, रेपसीड, चावल, सोरघम, सोयाबीन, गन्ना, गेहूं फसलें, इन पर जमीन पर उत्पादित जो लगभग 83% कैलोरी है उनकी संयुक्त आपूर्ति ये करती हैं 10 फसलें शीर्ष 10, ठीक है। यानी कि 83% पूरी जो कैलोरी इन्हीं से प्राप्त होती है। अब देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है, तो जो क्लाइमेट चेंज है तो ये दुनिया की जो टॉप 10 फसलें हैं इनको किस प्रकार से इफेक्ट इन पर डालता है, ये जो तो जैसे कि बात करें कि इनकी जो उपज है उनमें भी भिन्नता का प्रकार से कारण बना है ना, यानी कि इनके उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को मिली है। जैसे कि पाम ऑयल के लिए 13.4% की कमी, वहीं सोयाबीन में भी 3.1% की वृद्धि शामिल है। वहीं इनमें औसतन लगभग 1% उपभोग खाद्य कैलोरी में कमी देखी गई है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट देखने को मिले हैं हमारी खाद्य फूड उस पर। तो ये कैसे कह सकते हैं हमारी खाद्य श्रृंखला या फूड सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी खतरनाक की सिचुएशन देखी जा सकती है। वहीं वैश्विक खाद्य उत्पादन पर भी जलवायु परिवर्तन के काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी इसके निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं लैटिन अमेरिका में भी पॉजिटिव कुछ हद तक देखा गया है, ठीक है। एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एशिया और उत्तरी और मध्य अमेरिका में एक प्रकार से मिला जुला रुख है कि इसमें कुछ इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ एस्पेक्ट है कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज, मेन मुद्दा ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है किस प्रकार से हमारी जो खाद्य श्रृंखला है, हमारी प्रमुख 10 फसलें हैं उसको किस प्रकार से उस पर प्रभाव डालता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी, ठीक है। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी संबंधित ये टॉपिक है। तो इस पर यदि हम देखें तो जैसे कि इसके बारे में यदि आप लोग ध्यान दें तो ये जो FEOA ये जो कानून था सरकार ने जुलाई 2018 में इसे पारित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हाल ही में चर्चा में ये इसलिए रहा क्योंकि ये प्रवर्तन निदेशालय जो बॉम्बे ने जो क्या कह कि बॉम्बे हाईकोर्ट को मतलब कि जैसे ये PNB संबंधित घोटाला, ये जो मेहुल चौकसी संबंधित ये जो मामले चल रहे हैं तो इससे संबंधित है ये। तो हालांकि काफ़ी मतलब ये आए दिन मामले मतलब कि चर्चित रहता ही है। तो इसमें जैसे देखते हैं कि जैसे इस पे इसके उद्देश्यों के बारे में देखें हम तो जैसे बात करें तो आर्थिक अपराधियों को जैसे भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह करके भारतीय कानून की प्रक्रियाओं को टालने से रोका जाए। जैसे कि क्या करते हैं यहाँ पास जो है तो डिफॉल्ट करते हैं फिर दूसरे देशों में भाग जाते हैं तो फिर समस्या हो जाती है कि यहाँ पास तो उन्होंने पूरी तरह से जो है तो मतलब कि किस प्रकार से आर्थिक नुकसान देखना मतलब झेलने को मिलता है सरकार को, है ना। तो इसीलिए जो है तो इन चीज़ों को पूरी तरह से काउंटर करता है ये। वहीं ये भी सुनिश्चित करने के लिए कि जो भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं वो कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करने के लिए भारत लौट आए, इसलिए भी ये भी सुनिश्चित करता है ये FEOA कानून। वही जो FEO है उसको परिभाषित करना, तो FEO को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है यहाँ पास, ठीक है। FEO जो है तो एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है इस कानून में। वहीं इस पर महत्वपूर्ण इसमें वो है कि जिसने ऐसा व्यक्ति जिसने 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि के अपराध किए हैं, कितना 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का जिसने डिफॉल्ट किया है और आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए वो भारत से भाग गया है, ठीक है, तो उन पे ये जो है तो लागू होता है। इस पे जो तो विशेष अदालत की बात करें तो ये एक व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत एक विशेष अदालत की स्थापना भी की जाएगी, ठीक है। किसके तहत? धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जो तक स्पेशल कोर्ट गठित की जाएगी। वहीं जो है तो उनके संपत्ति की कुर्की वगैरह विशेष अदालत है अपराध की आय सहित केंद्र सरकार को भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को भी जब्त करने का निर्देश दे सकती है, ये भी इसकी स्पेशल प्रोविजन इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। अपील की बात की जाए तो संबंधित जो अपराधी है वो विशेष अदालत के आदेशों के खिलाफ जो है तो अपील हाई कोर्ट में कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट। वहीं और अन्य केसेस तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे मेहुल चौकसी उनके भतीजे जैसे नीरव मोदी संबंधित जो कार्रवाई आए दिन देखने को मिल रही है ना, उन्होंने जैसे धोखाधड़ी की है, लगभग 13,400 करोड़ रुपये का पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला हुआ था, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है तो ये मामले जो है तो देखने को मिल रहे हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नंदन नीलेकड़ी समिति संबंधित बात की कि नंदन नीलेकड़ी समिति जो बनी थी उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें भी जो डिजिटल संबंधित जो है, तो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो ये सिफारिशें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डिजिटल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सरकार आगे मतलब इस दिशा में काफ़ी प्रयास भी कर रही है ना, किस प्रकार से कैशलेस ट्रांजेक्शन और भी क्या हो, तो इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हेंस करने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी करने का, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए किस प्रकार से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जा सकता है, तो इसी पे कुछ सजेशन इन्होंने दिया था ये समिति ने, नंदन नीलेकड़ी समिति ने। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पास देखेंगे कि जो नंदन नीलेकड़ी समिति है उसने कुछ सुझाव दिए थे डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, तो उसमें से कुछ उन्होंने उपाय दिए थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कुछ जिसमें जैसे आरोपों को ख़त्म करना, ये RTGS और NEFT सुविधा और पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है उनका एक प्रकार से शुल्क मुक्त बनाना है ना, इस प्रकार से कुछ उन्होंने सजेशंस दिए हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि जैसे कि इसके बैकग्राउंड में देखें कि RBI ने जैसे इस समिति का गठन किया था, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है तो डिजिटलीकरण को प्रमोट किया जा सके। तो इस पर यदि हम देखें तो इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर देखें तो जो डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने संबंधित जो रिपोर्ट में कुछ बातें की गई कि उन्होंने कहा कि जैसे भारतीय भुगतान प्रणाली जैसे कि रुपए और भीम UPI है उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय योजना तैयार करना ताकि भारत में प्रेषण में आसानी हो और भारतीय यात्रियों को विदेशों में भी भुगतान करने में मदद मिल सके। तो आप लोगों ने इसी के तहत ये भी देखा होगा किस प्रकार से हमारे PM जो है तो अन्य देशों पर जाकर के कहीं रुपए कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, है ना, ये एक प्रकार से इसी से संबंधित एक पहल भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, कि यहाँ पास इनके सजेशन में भी स्पेशल तौर पर यह था कि रुपये भीम UPI के लिए एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयकरण योजना तैयार करने की बातें हुई थी। वही बात करें हम लोग कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्याप्त विस्तार की भी सुविधा के लिए इन्होंने POS मशीनों पर जो 18% का जो वर्तमान में IAS शुल्क लगता है तो 3 साल की अवधि के लिए इसको 0 तक घटाया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो POS मशीन होती हैं ना तो उन पे जो 18% का जो चार्ज लगता है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, उसको 3 साल की अवधि के लिए क्या कर दिया जाए, 0 तक कम कर दिया जाए, ताकि इस पे लोग जो है तो हतोत्साहित होने के बजाय प्रोत्साहित हों और जो है तो POS मशीन को मतलब कि वो उस पर मतलब उसे अडॉप्ट करें, है ना, POS मशीनों को, क्योंकि 18% चार्जेस लगते हैं तो लोग इसको मतलब कि कम वो करते हैं, तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो वहीं उन्होंने अन्य सिफारिशें दी कि जैसे डिजिटल भुगतान प्रणाली है तो उसकी निगरानी करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना है और ब्लॉक और पिन कोड के आधार पर सभी जानकारी जो है तो मंथली स्तर पर सभी भागीदारों के लिए उपलब्ध कराई जाए। वहीं नियामक को यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नियमित अंतराल पर जो हस्तक्षेप भी करना चाहिए कि यह जारीकर्ता और अधिग्रहणकर्ता दोनों के लिए बाजार में एक प्रकार से बेहतर तरीके स्वस्थ एक प्रकार से स्तरीय स्पर्धा भी बनी रहे। ठीक है, और पूरी तरह से जैसे डिजिटल सुविधा बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए कैश डिपॉजिट, बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज आदि सहित अन्य बैंक जो सुविधाएं हैं, ठीक है, उनका समर्थन करने के लिए ATM की विशेषताओं को केवल कैश डिस्पेंसर से आगे भी बढ़ाना है। ठीक है, वहीं ग्राहकों के द्वारा सरकारी एजेंसियों को किए गए भुगतान पर सुविधा शुल्क नहीं लेने की बात यहाँ पास की गई है। स्पेशल तौर पर यहाँ पास ये भी एक महत्वपूर्ण मतलब कि सजेशन दिया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा समिति द्वारा कि जो भी सरकारी एजेंसियों को जो ऑनलाइन पेमेंट किए जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट में कोई भी सुविधा या सर्विस चार्जेस गवर्नमेंट के द्वारा ना लिए जाएं, इससे जो है तो और भी ज़्यादा इस दिशा में प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, वहीं जो हर समय जो RTGS और NEFT की सुविधा है उसको हर समय मतलब सुनिश्चित किए जाने की बात भी इसमें की गई है। ठीक है, तो ये हुआ, वहीं चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है SDG जेंडर इंडेक्स। SDG जेंडर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ये जो वैश्विक लैंगिक समानता को मापने के लिए एक नया इंडेक्स है SDG जेंडर इंडेक्स। इस पर बात करते हैं कि ये 129 देशों में से भारत को 95th रैंक पे रखता है। ठीक है, इसने जो रैंकिंग जारी किया है, तो यदि बात करते हैं इसमें कौन कौन निकाय शामिल है, तो इसमें जो है तो इसको बनाने के लिए क्षेत्रीय वैश्विक संगठनों का संयुक्त प्रयास इक्वल मेजर्स 2030 द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इक्वल मेजर्स 2030 द्वारा इसे डेवलप किया गया है। साथ ही साथ इसमें SDG जेंडर इंडेक्स जो है तो क्षेत्रीय वैश्विक संगठन के संयुक्त प्रयास इसमें वो शामिल है। यदि इस पे से कुछ इसके इंडिकेटर के बारे में बात करें तो जो ये जो 17 जो सस्टेनेबल गोल हैं उनमें से लगभग 14 के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो कार्यस्थल पर गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और समानता जैसे पहलुओं को भी कवर करता है। ठीक है, यदि हम ग्लोबल परस्पेक्टिव से बात करते हैं तो कुल मिलाकर लगभग 2.8 बिलियन लड़की और महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं जिसने लैंगिक समानता पर बहुत ही खराब लगभग 59 से नीचे या खराब स्कोर 669 स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है, 2.8 बिलियन तादाद है। वहीं दुनिया की लड़कियों और महिलाओं की जो आबादी का सिर्फ 8% उन देशों में रहते हैं जिन्हें अच्छा या लिंग समानता स्कोर 80 से 90 का स्कोर माना जाता है उसमें रहती हैं। ठीक है, वहीं किसी भी देश ने 90 या उससे अधिक का उत्कृष्ट अंक हासिल नहीं किया है। ठीक है,
डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क ने हालांकि 89.3% अंक के साथ इसमें टॉप पे रहा है, वही फिनलैंड और स्वीडन इसके बाद में आते हैं। भारत के लिए बात किया तो भारत की जो इसमें रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत 129 देशों के बीच लगभग 95वें स्थान पर रहा है। भारत का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो स्कोर जो है स्वास्थ्य 79.9 भूख पोषण यानी डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट पर जो है निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें एक बात और याद रखिएगा, ये जेंडर एसटीजी जेंडर इंडेक्स था, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है तो नवीनतम जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स जो है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, वहीं एसटीजी जेंडर इंडेक्स वो दूसरा था। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को द्वारा निकाला गया जो जेंडर गैप इंडेक्स था उसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो 108वें स्थान पे थी, जबकि उसमें एसटीजी जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान 95वें स्थान पे है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से संबंधित टॉपिक पे देखते हैं कि ये भी जो तो काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं हम लोग। पहली बात यदि हम बात करें तो जो पार्थेनोजेनेसिस शब्द है ये जो है तो ग्रीक शब्द से बना है और पार्थेनोस और जीनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है वर्जिन और उत्पत्ति। अब यहाँ पास मामला कुछ ऐसा था कि अमेरिका में न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम में एक मतलब कि एक नया मामला देखने को मिला, वहाँ पास एना नाम का एक वर्जिन एनाकोंडा था। उसने सर्दियों में मतलब कि सर्दियों के दौरान उसने प्रजनन किया था, लेकिन खास बात ये थी कि वहाँ पास एक्वेरियम में कोई भी जो नर एनाकोंडा था वो नहीं था, फिर भी मादा एनाकोंडा ने प्रजनन किया। ठीक है, ये यहाँ पास जो है तो डिफरेंट कंडीशन थी। ये जो ऐसा मामला था ग्रीन एनाकोंडा के मामले में, ये पार्थेनोजेनेसिस का केवल दूसरा ऐसा ज्ञात मामला है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा इसके बारे में कुछ आस्पेक्ट के बारे में देखें हम लोग, तो आप यहाँ पास पहली बात तो देख सकते हैं, इसका इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास जैसे पार्थेनोजेनेसिस है उसको एक प्रजनन रणनीति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि जिसमें कि रिप्रोडक्शन के बिना एक मादा युग्मक का विकास शामिल है। ठीक है, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता उसके बाद भी जो है तो एक प्रकार से जो यहाँ पास जो मादा एनाकोंडा थी उसमें एक प्रकार से सेक्स सेल डेवलप हो गए थे। ठीक है, तो यदि बात करते हैं कि जैसे एक युग्मक मादाओं में, जैसे कि यहाँ पास तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जैसे कि पैथोजेनेसिस का अर्थ है कि एक अनिश्चित एक सेल से भ्रूण का विकास हो जाए। ठीक है, इसका मेन सेंस यही है कि विदाउट रिप्रोडक्शन एक सेल डेवलप हो जाए। ठीक है, एम्ब्रियन डेवलप हो गया। अब यदि बात करते हैं इसमें तो लगभग इस तरह की कंडीशंस कोई यूनिक नहीं, लेकिन यहाँ पास जैसे कि बात करते हैं लगभग 2000 प्रजातियों को पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से प्रजनन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये तो कंडीशंस हैं, लेकिन आमतौर पर जैसे निचले पौधों और अकशेरुकी जानवर जैसे विशेष रूप से रोटिफर्स, एफिड्स, चींटी है ना, मधुमक्खी, इनके बीच चीज़ें तो होती हैं। ठीक है, ये आम बात है ना, और लेकिन ये ऐसे मतलब कि उच्च कशेरुक प्रणालियों में प्रजातियों में इस तरह की जो वो है तो कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि जो एना है, ये जो एना एनाकोंडा है, मादा एनाकोंडा, तो ये एक उच्च कशेरुक है। ठीक है, तो इसी कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा में रहा, क्योंकि जो निम्न अकशेरुकी जानवर हैं उनमें तो ये आम बात है, लेकिन जो उच्च कशेरुक वो होते हैं तो उनमें जो है ये बहुत ही कम रेयर कंडीशन ऐसी होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एक और खास बात होती है कि जो ये क्लोन की बात है, माँ का जो क्लोन होता है पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से जब पैदा होते हैं तो जो बच्चे होते हैं तो माँ के क्लोन की तरह ही पूरी हूबहू होते हैं। क्लोन तो वैसे भी सेम वही कॉपी होता है, क्योंकि कोई भी अन्य के साथ तो अनुवांशिक उनका कोई आदान प्रदान नहीं होता है, तो इसलिए जो तो पूरा हूबहू जो है तो वही क्लोन डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड था। वही हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है स्वायत्त जिला परिषद या एडीसीज ना। तो जैसे कि अपना 15th फाइनेंस कमीशन ने जो मेघालय के स्वायत्त जिला परिषद है उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी, उसमें कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात की गई थी। कि पहली बात तो आप लोग यहाँ पास इमेज में ये मैप देख भी सकते हैं, तो यहाँ पास हम देखते हैं कि जैसे कि इसके आर्टिकल 243(m)(1) के अनुसार संविधान पंचायत बनाने के प्रावधान के भाग 9 में उल्लेखित कोई भी नियम आर्टिकल 244 के खंड 1 में भी निर्दिष्ट अनुच्छेद जो है तो उसके खंड से संबंधित इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, खास बात यह है। वहीं यदि हम बात करें तो छठी अनुसूची में भी ये प्रावधान है कि ये जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिले होंगे और स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा शासित होंगे। छठी अनुसूची में ये स्वायत्त जिले होंगे और स्वायत्त जिला परिषदों के द्वारा ये शासित होंगे। ठीक है, कार्यकाल की बातें की जाती हैं तो कार्यकाल जैसे जिला परिषदों का कार्यकाल तो उनके गठन की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए होता है। ठीक है, वहीं यदि हम इस पर देखते हैं कि जैसे तो आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं कि जो स्वायत्त जिला ये परिषद जो है जैसे कि बोडोलैंड, गोरखालैंड है ना, कार्बी एंगलोंग है ना, ये यहाँ पास आपको हाशाओ दिख जाएगा, जयंती, खासी, जयंतिया, खासिया है ना, गारो, वहीं यहाँ पास जैसे सैदा, हिर्स, त्रिपुरा, मारा, चकमा। ठीक है, ये जो है तो आपको यहाँ पास दिख जाएंगे स्वायत्त जिला परिषद। तो इसमें से देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में स्वायत्त जिला परिषद की, जैसे कि
इनमें हम देखें तो ये स्वायत्त जिला परिषद है, ये कार्यकारी समिति के द्वारा शासित होती है, ठीक है। और ये जो है संविधान की अनुसूची 6 में परिभाषित ADC के कार्यों में से शामिल है। इसमें से देख सकते कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसके कौन कौन से हैं, जैसे भूमि पर ये कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वनों का प्रबंधन, आरक्षित वनों को छोड़कर, यानी कि वनों का प्रबंधन तो करते हैं लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, उसको वे नहीं करते हैं, इन पे इनका कोई वो ज़्यादा खास वो नहीं होता। वहीं जैसे कि पारंपरिक प्रमुखों और प्रधानों की नियुक्ति भी ये करते हैं, साथ ही साथ जो विवाह, तलाक, क्रम अदाला संबंधित जो भी मामले, ये अपना अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करते हैं। वहीं अन्य जैसे कि डिसीजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वहीं राजस्व संबंधित जो तो इससे संबंधित जो भी मामले होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड मामले, ठीक है। वहीं एक बात करते हैं कि एक बाजार में माल के प्रवेश बिक्री पर भी टैक्स और यात्री माल वाहन, इन पर भी जो टैक्स संबंधित मामले हों तो इनसे संबंधित ये फैसले लेने में सक्षम या स्वायत्त होते हैं। तो इन पर देखते हैं कि वहीं बात करते हैं मेघालय में जो है तो 3 स्वायत्त जिला परिषद, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 3 स्वायत्त जिला परिषद कौन कौन से हैं, तो इस पर से देखते हैं हम लोग 3 स्वायत्त जिला परिषद कौन कौन से हैं मेघालय में। तो वो खासी हिल्स, गारो हिल्स और एडेसी और जयंतिया हिल्स, यानी कि 3 हिल्स हैं वहाँ पास, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ये जो है तो मेघालय में 3 स्वायत्त जिला परिषद हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कि सेल्फी विथ सैपलिंग काफ़ी, मतलब कि इस पर देखते हैं कि ये जो है तो पर्यावरण दिवस के दिन यानी कि 5 जून को ये जो है तो लॉन्च किया गया था, सेल्फी विथ सैपलिंग के ये जो इनिशिएटिव लिया गया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा, ठीक है, ये अभियान शुरू किया गया था। तो इसमें हुआ ये था कि जैसे ये सेल्फी विथ सैपलिंग से क्या किया गया था, उन्होंने कि सभी को ये कैंपेन ही चला दिया गया कि इससे जुड़ने के लिए एक पौधा लगाने के लिए, मतलब तो सभी को एक पौधा लगाने और सोशल मीडिया पर पौधे के साथ अपनी सेल्फी को पोस्ट करने की बातें की गई थी। एक प्रकार से कैंपेन ही चला दिया गया, काफ़ी इस प्रोत्साहन भी इसी मिला था, है ना, लोगों ने काफ़ी इस उस पर काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाया था। तो उन्होंने मतलब कि इस पे से एक प्रकार से जनभागीदारी बढ़ा करके पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रकार से इसको बेहतर माध्यम माना जा सकता है, अच्छा इनिशिएटिव का तौर पे देखा जा सकता है, ठीक है। तो वही विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है तो पर्यावरण की रक्षा के संबंधित उसे प्रोत्साहित करने के लिए तो मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के दिवस के उस मतलब कि रूप में, है ना, हर साल 5 जून को। वहीं ये बात करते हैं कि आखिर 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो वहीं 1972 में जो है तो स्वीडन का जो स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, उससे के पहले दिन को ही फोकस्ड होकर के 5 जून को ही मनाया जाने लगा, ठीक है। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है तो वे पहली बार तो 1974 में मनाया गया था, ठीक है। तो ये तो इससे रिलेटेड है, इस बार की जो थीम थी तो वो थी वायु एयर पॉल्यूशन संबंधित, ये थीम थी इस बार एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो यदि इसके बारे में कुछ मतलब कि कुछ डाटा के बारे में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं इन डाटा को, कि विश्वभर में लगभग 92% लोग जो लोग हैं तो वो स्वच्छ हवा में सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, 92% लोग, समझ सकते हैं आप लोग कि जैसे कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो खतरनाक स्थिति है ही, इसी प्रकार से जो है तो लगभग 92% लोग जो है तो स्वच्छ हवा में सांस नहीं लेते हैं। वहीं वायु प्रदूषण के कारण कल्याणकारी जो लागत है उसमें भी हर साल जो है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की लगभग $5 ट्रिलियन तक खर्च होती है, ये भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी राशि है, ठीक है। तो इस पॉल्यूशन के कारण जो है तो यदि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर ले तो इतनी सारी हमारी जो इकोनॉमी है तो फालतू वेस्ट होने से बच जाएगी और इसका हम बेहतर तरीके से कहीं दूसरी उस पर इसका सदुपयोग किया जा सकता है, ठीक है। वहीं ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण से 2030 तक फसल की पैदावार 26% तक कम होने की भी उम्मीद की गई है, यानी कि ये इसके कह सकते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है विशेष नैतिक आधार संबंधित, क्या है आखिर विशेष नैतिक आधार मामला। तो अभी क्या हुआ था कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला, एक जजमेंट दिया था कि जो फिल्म संगीतकार आर इलैया राजा थे तो उन्होंने क्या किया था कि उनके लगभग 40 साल के करियर में 1000 से अधिक फिल्मों के लिए उनके द्वारा जो रचित लगभग 4500 से अधिक गीत थे उनके लिए विशेष नैतिक अधिकार के उन्हें हक दिया गया है, उन्हें राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखें हम लोग थोड़ा सा। 2014 में क्या हुआ था कि जो इलैया राजा थे उन्होंने म्यूजिक लेबल समूह के खिलाफ दायर याचिका दायर की थी, ठीक है। तो उसी के उसमें जो है तो एक प्रकार से कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 57 के अनुसार जो है तो नैतिक अधिकारों का हकदार जो है तो ये फिर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में देखें, कॉपीराइट एक्ट के बारे में हम लोगों ने अभी देखा भी है कि 1957 की जो धारा 57 है इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं आखिर, ठीक है। तो कॉपीराइट के बारे में इसमें देखें हम लोग, तो धारा जो है तो किसी भी रचनाकार के अधिकार की रक्षा करती है, ठीक है। धारा 57 कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 57 क्या कहती है, इसके तहत जो है ये कोई भी जो रचनाकार है उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है और वह अपनी रचनाओं पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से या दूसरों को आंशिक रूप से असाइन करने के बाद भी अपने अधिकार का दावा करे तो उसे ये हक है,
ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक, दूसरी बात कि या उन्हें अपने कार्य के संबंध में किसी भी विकृति, उत्परिवर्तन, संशोधन या अन्य कार्य के संबंध में मना करने या हानि का दावा करने के लिए भी प्रेरित करता है, यदि ऐसी विकृति, उत्परिवर्तन या संशोधन उनके सम्मान प्रतिष्ठा के लिए पूर्वाग्रह पूर्ण हो तो। ठीक है, ये कंडीशन है, मतलब कि आपको आपकी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है ठीक है उसको पूरी तरह से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है ये इसके लिए एक प्रकार से आपको एक एश्योरिटी दिलाता है। ठीक है, तो ये चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है निपा वायरस से संबंधित है। तो क्या है निपा वायरस, तो इस पर से देखते हैं कि जैसे कि अभी हाल ही में जैसे केरल में देखा गया निपा वायरस के मामले देखे गए थे। ठीक है, तो इसमें जैसे निपा वायरस के कुछ यदि हम बात करें कि यहाँ पास टीरोपोडिये परिवार और टीरोपोसस जीनस के फल जो चमगादड़ हैं, ठीक है, फल यानी कि फ्रूट जो चमगादड़ हैं वो उनके द्वारा ही जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे मामले मतलब के देखे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यदि इस पे देखते हैं कि इसका मतलब कि संक्रमण के तौर पर देखें तो ये आमतौर पर तो जानवरों से मनुष्यों में ये फैलता है। ठीक है, इसे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है लेकिन मुख्य रूप से चमगादड़ और सुअर से, मुख्य इसके जो है तो वह चमगादड़ और सुअर होते हैं। ठीक है, और मानव से मानव के संचरण की जो संभावना है वो संभव तो है। ठीक है, मानव से मानव में भी ये फैल सकता है। ठीक है, तो इससे दूषित भोजन से संचरण ये मतलब कि ये भी और इसके वो हो सकते हैं। ठीक है, तो निपा वायरस से संबंधित मतलब कि देखते हैं कि स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट के तौर पर देखें तो एक प्रकार से काफ़ी खतरनाक भी साबित होता है। ठीक है, रोगी या तो संक्रमण के कोई लक्षण इसमें नहीं देखते हैं जिससे कि समस्याओं का पता लगाना भी कठिन हो जाता है। सांस संबंधी बीमारियाँ होती हैं, एंसेफ्लाइटिस जैसे असर इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और काफ़ी मतलब खतरनाक स्थिति होती है। ठीक है, तो हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा देखें कि ये जो वायरस है तो इसका अभी तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और ना ही मनुष्य या जानवरों के लिए ना ही कोई टीका इसके लिए है, ना ही तो कोई इसका ट्रीटमेंट है और ना ही कोई टीका भी बन चुका है, नहीं बना है। ठीक है, यदि बात करें तो 1999 में मलेशिया में ये वायरस देखा गया था। ठीक है, बांग्लादेश में भी निपा वायरस के संक्रमण का काफ़ी बार पता चल चुका है, लेकिन केरल में जो है तो इसका प्रकोप जो है तो पिछले साल जो है तो काफ़ी मात्रा में देखा गया था, कुछ घटनाएं देखने को मिली थी। यदि भारतीय परिदृश्य की बात किया तो हाल में जैसे केरल के एर्नाकुलम जिले में जो है तो निपा वायरस के मामले देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये तो निपा वायरस से रिलेटेड मामले हो गए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, नेक्स्ट टॉपिक है जेरेंगोल्ड से रिलेटेड। एक आखिर क्या है जेरेंगोल्ड, इसके बारे में जान ले थोड़ा सा ना, जेरेंगोल्ड के बारे में। हालांकि आपको सिर्फ ये टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत है, बाकी ज़्यादा कोई ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि जेरेंगोल्ड जो है तो रूस के द्वारा ये जेरेंगोल्ड ट्रेन है। ठीक है, जो कि आर्कटिक क्षेत्र में ट्रेन सेवाएं खोली गई है रूस के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक क्षेत्र में ये जेरेंगोल्ड ट्रेन चलाई गई है। आप लोग ये देख सकते हैं ट्रेन है। ठीक है, ये रूस और रूस के आर्कटिक क्षेत्र नार्वे के माध्यम से यात्रा करने वाली जो पहली पर्यटक रेलगाड़ी उद्घाटन परीक्षण यात्रा है। ठीक है, तो ये हो गई, सेंट पीटर्सबर्ग से चली गई थी। ठीक है, तो ये आपको इतना ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें देखते हैं कि जो जेरेंगोल्ड नामक ट्रेन है तो सेंट पीटर्सबर्ग से यात्रा करेगी और इसमें अमेरिकी, जर्मनी, नार्वे, रूस है, ये 7 देशों से आए थे, तो ये तो चलो नॉर्मल से चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू स्टार्ट संधि, ये इंपॉर्टेंट संधि है, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो न्यू स्टार्ट संधि की बात करते हैं तो ये न्यू स्टार्ट संधि रूस और अमेरिका के बीच एक संधि थी। इसे ये जो है प्रकार से जो तो ये इस संधि से दोनों हटने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे से देखते हैं कि न्यू स्टार्ट संधि का इसका पूरा नाम क्या है। ये इसका जो पूरा नाम है तो न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि इसके नाम से ही आप लोगों को पता हो जाता होगा कि ये क्या है आखिर। ठीक है, आर्म्स को कम करने की बात इसमें की गई थी दोनों देशों के बीच। तो ये जो न्यू स्ट्रेटजी है ये परमाणु वारहेड की संख्या को एक प्रकार से जो जैसे कोल्ड वार के समय के मुकाबले काफ़ी कम रखने को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कोल्ड वार के समय जो बहुत ज़्यादा मतलब कि हथियारों की होड़ लग गई थी तो उसको कम करने के लिए जो ये न्यू स्टार्ट अमेरिका और रूस के द्वारा ये ट्रीटी की गई थी। ठीक है, तो यदि इस पे देखते हैं तो ये जो ट्रीटी की गई थी तो वो की गई थी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, ठीक है, रोनाल्ड रीगन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा शुरू किए गए यूएस और रूसी रणनीतिक परमाणु शास्त्रकार को कम करने की सेकंड एक प्रकार से दलील ये प्रक्रिया हुई थी। इस पे से देखते हैं तो इस संधि पर लगभग 2010 में प्राग में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदेव ने हस्ताक्षर किया था। कब? 2010 में। ठीक है, 2010 में क्यों 2010 में हुआ था? क्योंकि जो एक ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी उसने 1991 की स्टार्ट संधि स्टार्ट वन शुरू में ये जब कोल्ड वार शुरू हुआ था उसके बाद जो है 1991 में हथियारों को होड़ को कम करने के लिए रूस और अमेरिका जो है तो एक टेबल पे आए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने हथियारों को धीरे धीरे कम करने के लिए जो तो 1991 में स्टार्ट वन ट्रीटी इन्होंने की थी जो कि दिसंबर 2009 तक उसकी टाइमलाइन थी। ठीक है, 2009 को वो समाप्त हुई और
2002 को क्या हुआ था कि रणनीतिक आक्रामक कटौती संधि चालू हुई थी, ठीक है, यानी कि शॉर्ट नाम इसको दिया गया था। 2002 की ये जो संधि थी ये इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 2002 की रणनीतिक आक्रामक कटौती संधि को समाप्त करके ये न्यू स्टार्ट संधि लागू हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ था कि रूस और अमेरिका दोनों ने घोषणा की है कि वो 5 फरवरी 2018 तक न्यू स्टार्ट की तय को, जो न्यू स्टार्ट है उसकी जो सीमा है उसको पूरी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी से संबंधित ये हो जाएगा कि अब यदि बात करें कि जो स्टार्ट वन संधि थी 1991 में 2009 तक ये रही, उसके बाद 2010 में संधि हुई, न्यू स्टार्ट ट्रीटी संधि की गई, तो न्यू जो स्टार्ट ट्रीटी जो कि भी चल रही है हालांकि, तो इस पर ये 2010 में हुई थी और इसकी जो टाइमलाइन है 2021, ठीक है।